कर रहा हो तो रेगुलर लाइफ ओवर फिटिंग कर रहा हो तो एक तो हाल ये होता है कि रेगुलराइजेशन लगा दी जाए उसके अंदर, या फिर ये होता है कि मॉडल जो है उसे थोड़ा सा उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो ये दो चीजें तो अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में आ रही हैं, बाकी सर ज्यादा बता नहीं, देंगे। इनकी जो बात है वो थोड़ी सी शायद मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई वैलिडेशन एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी में गैप आने लगे तो क्या करें। क्योंकि जी सर, जब ईपॉक्स चल गए हैं ना, उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते हम। जितनी भी ट्यूनिंग होगी वो ईपॉक्स खत्म होने के बाद जो होगी, आप हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे डेफिनेटली। जिस तरह अभी एनएस ने कहा कि भाई ओवर फिटिंग के जो रूल्स हैं रिमूव करने के, वो टेक्निक जो है वो अप्लाई करेंगे हम। लेकिन ड्यूरिंग ईपॉक अगर ये ऐसा हो रहा है तो उस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर, उस दौरान तो कुछ नहीं सर, सिर्फ मॉनिटर की बात कर रहा था सर कि किस चीज को हम मॉनिटर करेंगे कि हमें पता चलेगा ये ओवर फिट हो रहा है सर। वो तो आप खुद ही बता रहे हो ना कि डिफरेंस आ रहा है ना एक्यूरेसी में, ठीक है सर, एक्यूरेसी में डिफरेंस आ रहा है तो वो हम देख सकते हैं। वैसे हमारे पास एक जो है ना टेंसर बोर्ड होता है, एक चीज टेंसर जी सर, बोर्ड अभी आप चला सकते हैं, तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी सारे ग्राफ जैसे जैसे ईपॉक चलते जाते हैं वैसे वैसे बनाता चले जाता है। ठीक है, हमने इसको टच नहीं किया हुआ इस सेक्शन को, बट ये है हमारी बुक में भी मौजूद है शायद टेंसर बोर्ड। तो जो भी कैलकुलेशंस चल रही होती हैं उनके ग्राफ जो टेंसर बोर्ड पे हमें साइड में ग्राफ बोर्ड पे नजर आ रहे होते हैं, हमारा जो है ना ग्राफ बनता चला जा रहा हो एकदम से गिरता हुआ नजर आएगा। अभी तो हम प्लॉट करते हैं ना, टेंसर जी सर, बोर्ड में हमें बनती हुई चीजें नजर आएंगी। तो थोड़ा गो थ्रू कर लेना टेंसर बोर्ड, कोई एक दो लाइन लिखनी पड़ती है, टेंसर बोर्ड जो है हमारा आप हो जाता है जी सर, कोड नजर है मेरे आता है। पास, वो कोड है मेरे पास लेकिन मैंने रन नहीं किया हुआ सर, उसकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, जी नहीं समझ ना आ रहा, रन कर लिया करो कम से कम, चल तो जाए। अभी कर लेंगे सर, अभी पता चल गया कि क्या चीज़ है सर। जी ये फिर हमने मॉडल को फिट कर दिया, चला दिया उसकी ट्रेनिंग। ये मॉडल को सेव कर लिया हमने, ये इसको अपलोड कर दिया, ये विदाउट डाटा ऑगमेंटेशन था। सईद भाई, ओवर फिटिंग का इस तरह है ना कि इस पॉइंट के बाद हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो यानी कि फ्लैट होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद जो है वो ओवर फिटिंग जो है वो शुरू हो गई हुई है। लेकिन ये भी ओवरफिटिंग इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, साथ साथ तो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल नीचे नहीं गिरना शुरू किया, अपोजिट डायरेक्शन नहीं पकड़ ली। जैसे हमने पीछे ग्राफ में देखा है कि भाई वो ट्रेनिंग तो चलती चली जाती है और वैलिडेशन जो है वो नीचे होना शुरू हो जाती है, फिर भी बहुत बेहतर है। ये मैंने एक बनाया था फंक्शन, इस फंक्शन का ये होता है कि ये जितने भी चेक पॉइंट सेव हुए होंगे ये हर चेक पॉइंट की जो है वैलिडेशन और टेस्ट डाटा के ऊपर एक्यूरेसी चेक कर लेता है। तो इसे हमने और रिजल्ट्स जो है ये चेक उस डाटा फ्रेम के अंदर रिटर्न कर पॉइंट, देता चेक पॉइंट का बता दो पहले कि चेक पॉइंट क्या होते हैं। है। अच्छा जी, जब तो भी अच्छा आप देखेंगे कि जब भी हम नोटबुक जैसी अपना जुपिटर नोटबुक चलाते हैं, उस जुपिटर नोटबुक जो हमारी चल रही होती है हर थोड़ी देर के बाद वो ऑटो सेव हो रही होती है। ठीक है, और हमारे पास उस यस वर्किंग सर, फोल्डर के अंदर एक जुपिटर का फोल्डर भी बन जाता है येलो कलर का ऊपर टॉप पे, उसके हाँ सर, अंदर वो एडिशनल होता है हमारी सर। उसके अंदर हमारी वो सारी चेक पॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं, जिस जिस स्टेप पे जिस जिस पॉइंट पर टाइम पर उसने सेव की है जुपिटर नोटबुक वो सारे आ रहे होते हैं। अगर ओके आप जब भी जुपिटर नोटबुक चला बना हुआ होता है उस फोल्डर के अंदर। ठीक ओके, बिल्कुल है सही सर। सर, एक जी क्वेश्चन जी था जी सर, टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो टेस्ट एक्यूरेसी देखेंगे या फिर F1 स्कोर की एक्यूरेसी जो है वो कंसीडर करेंगे, किसकी एक्यूरेसी कंसीडर की जाएगी? देखिए एक्यूरेसी तो हमारे पास डिपेंड करता है कि हम कौन से पैरामीटर को जज करना चाह रहे हैं ना। एक्यूरेसी तो हमें सिर्फ ये बता रही होती है, हमने पढ़ा हुआ है प्रिसिशन रिकॉल वगैरह के अंदर कि
एक्यूरेसी हमें बता रही होती है कि कितने करेक्ट जो है ना वो आइडेंटिफाई किए हैं, कितने में से कितने करेक्ट रिजल्ट जो है वो आए, यानी कितने को सही आइडेंटिफाई किया। बट हमने प्रिसिशन भी पढ़ा है, हमने रिकॉल भी पढ़ा है। F1 स्कोर जो है वो प्रिसिशन और रिकॉल का कम्बिनेशन होता है, विच बेसिकली शोज द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल। तो अगर आप दोनों चीजें ही मॉनिटर करते हैं और जब किसी को प्रेजेंट भी करते हैं तो आप दोनों चीजें ही बताते हैं, एक्यूरेसी भी, बल्कि चारों चीजें ही बतानी पड़ती है। एक्यूरेसी ये है, प्रिसिशन ये है, और उसका F1 स्कोर ये है। ठीक है, तो मॉडल मॉडल की एक्यूरेसी किसको कहेंगे कि मॉडल कौन सा अच्छा था, किसको देख के एक्यूरेसी कहेंगे? जैसे मैंने मैंने फाइन ट्यूनिंग भी किया, मैंने ऑगमेंटेशन किया, विदाउट ऑगमेंटेशन किया, तो अगर मैं बताऊं तो मैं क्या देख के बताऊं कि टेस्ट एक्यूरेसी देख के बताऊं कि कौन सा अच्छा है, या मैं F1 स्कोर देख के कहूंगी कि मेरा कौन सा मॉडल अच्छा है? आप दोनों चीजें बताएंगी, एक्यूरेसी का अपना अपनी वेटेज है बताने की, और F1 स्कोर की अपनी वेटेज है। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि या रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक आते हैं, ये जरा वाइंड अप कर लें तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं जरा। तो अभी ये खत्म कर रहे हैं, फिर हम करते हैं। तो जिस तरह सर ने कहा कि वो चेक पॉइंट सेव हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने चेक पॉइंट्स लगा दिए थे। ये वाले चेक पॉइंट्स कॉल बैक्स वाले क्या कर रहे थे कि जब एक ईपोक कंप्लीट होता था, तो यानी कि एक दफ़ा सारे के सारे ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जो है वो वेट्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, ट्रेनिंग हो गई है जब एक दफ़ा, तो उसके बाद क्या होता था, उस टाइम जो भी उसके करंट हर ईपोक के बाद जो करंट उसके वेट्स जो होते थे उनकी वैल्यूज़ जो थी वो, यानी कि मैं सेव कर लेता था चेक पॉइंट्स के अंदर कॉल बैक्स के ज़रिए से। तो ये पहला ईपोक चला और उसके बाद जब ये ईपोक कंप्लीट हो गया तो उस टाइम इसके जो करंट वेट्स थे वो चेक पॉइंट 0001 के और .cpt जो है इस फाइल के अंदर सेव हो गए इस फोल्डर के अंदर। फिर दूसरा ईपोक चला और उसके बाद भी जो है वो अगला जो चेक पॉइंट्स के जो वेट्स वगैरह थे वो सारे लोड हो गए। एंड के अंदर ये होगा जब हमारा मॉडल सारा ट्रेन हो जाएगा तो हम सारे के सारे चेक पॉइंट्स या चंद वो चेक पॉइंट्स जिनके ऊपर एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी उनको मॉडल के अंदर लोड करेंगे। उनको मॉडल के अंदर लोड करेंगे तो फिर मॉडल के यानी कि चेक पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे और जो हमने वेट्स दिए होंगे वो वाले वेट्स वो रिप्लेस हो जाएंगे उससे, और फिर हम मॉडल के ऊपर जो है वो टेस्ट डाटा के ऊपर या किसी और डाटा के ऊपर हम प्रिडिक्शंस लेके देख सकते हैं कि हमारा F1 स्कोर और बाकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कहाँ पे अच्छी आ रही है। तो ये चेक पॉइंट सेव होते गए, हमारे ईपोक्स चलते गए, चेक पॉइंट सेव होते गए, एंड में हमने मॉडल सेव किया और उसके बाद पहले तो हमने प्लॉटिंग की, फिर उसके बाद ये मैंने एक फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को आपने वो फोल्डर देना है जिसके अंदर आपने चेक पॉइंट सेव किए हैं और आपने मॉडल देना है और उसके बाद आपने टेस्ट और वैलिडेशन जनरेटर देने। तो ये क्या करेगा, ये वैलिडेशन डाटा और टेस्ट डाटा के ऊपर जो है वो इटरेटिवली हर एक एक चेक पॉइंट को उठाएगा, उस चेक पॉइंट को मॉडल के अंदर लोड करेगा और फिर ये उससे प्रिडिक्शंस लेगा और ये फिर प्रिंट कर देगा वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी, टेस्ट लॉस, टेस्ट एक्यूरेसी। प्रिंट नहीं करेगा, ये एक डाटा फ्रेम के अंदर सेव कर देगा। तो इस तरह हमारे पास ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स, पहला चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट, तीसरा, सारे के सारे चेक पॉइंट्स के लिए जो है वो वैलिडेशन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, टेस्ट लॉस हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इधर से भी देख सकते हैं कि कौन से वाला हमारे लिए जो है वो बेहतर रहेगा मॉडल, और यहाँ पे मैंने जो है टेस्ट एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी प्रिंट भी कर दिया। आपकी टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो रेड से शो हो रही है, वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो ब्लू से शो हो रही है। तो आपको जो यहाँ पे फिर लगे कि फलां चेक पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग टेस्ट एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी, आप उसे लोड कर लें। तो मुझे 29 के कोरिस्पोंडिंग सही लगी थी, मैंने उसे 29 जो है वो मॉडल डॉट लोड वेट्स के ज़रिए से जो है वो करंट मॉडल के अंदर लोड हो गया वो वाला चेक पॉइंट, वो वाले सारे वेट्स। मामा से पूछ ले कोई चीज लेके जानी और अच्छा सर, ये माजरा थोड़ी पीछे से आ जाती होगी आवाज़, मैं 1 मिनट थोड़ी सी जगह चेंज कर लूँ, 1 मिनट।
अब जो है वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम इसकी जनरेट करेंगे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से पहले जो है मैंने वो पॉजिटिव इमेजेस जो थी वो टेस्ट डाटा सेट के अंदर लगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ कि उसकी वजह से जो है वो इशू आ रहा था, यानी कि पॉजिटिव इमेजेस जो थी वो ज़्यादा थी, नेगेटिव इमेजेस कम थी, शायद कोई प्रिडिक्शंस के अंदर या इस तरह कोई सही इशू आ रहा हो, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मैंने अंडर सैम्पलिंग कर दी, जब सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, और भी कई टेक्निक होती है, इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगी। मुझे सबसे आसान अंडर सैम्पलिंग लगी, अंडर सैम्पलिंग के अंदर जो था वो सबसे आसान काम था कि आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव क्लास के अंदर इमेजेस ज़्यादा हैं, 4 इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं नेगेटिव क्लास के मुकाबले में, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो वाली 4 इमेजेस जो एक्स्ट्रा हैं कोई सी भी 4 रैंडमली आप उठा के उनको मूव कर लें। अब ये होगा कि क्लास बैलेंस हो जाएगा, जितनी इमेजेस पॉजिटिव क्लास के अंदर होंगी उतनी ही इमेजेस जो हैं वो नेगेटिव क्लास के अंदर होंगी। तो टेस्ट जनरेटर उसके बाद बना लिया, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करना सबसे आसान जो है वो आप साइकिट लर्न जो है से आप इंपोर्ट। मेरी आवाज़ वैसे आ रही है सबको? हेलो जी यार, लेकिन हाँ फ्लक्चुएट जी कर रही है जी थोड़ी बहुत। जी तो सबसे आसान तरीका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का। अच्छा बाय द वे, ये वाली जो जो है ये वाला मेट्रिक जो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है ये मल्टीपल क्लासेज हैं उनको भी हैंडल कर लेता है। हमारे पास तो बाइनरी थी ना, अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस भी होती 2 से ज़्यादा तो भी यही वाला फंक्शन ने हैंडल कर लेना था। तो इसे जो है हमने फिर वो सिंपल ट्रू लेबल्स पास किए, प्रिडिक्टेड लेबल्स हमने इसे पास किए जो कि मैंने यहाँ पे बना ली हैं, और दैट्स इट, सिर्फ यही इसे पास करना है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको जनरेट कर देता है। तो 0 वाली क्लास, ये 1 वाली क्लास, और 0 वाली क्लास के लिए प्रिसीजन प्रिसीजन रिकॉल रिकॉल F1 स्कोर, और स्पोर्ट के अंदर ये बता रहा होता है कि कितनी इमेजेस थी उस क्लास की जिनके ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट हुई है। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो भी आप, सबसे आसान तरीका यही है कि साइकिट लर्न एडवांस लाइब्रेरी है बनी हुई है, उससे आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लिया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को आपने ट्रू लेबल्स और प्रिडिक्टेड लेबल्स पास कर दिए, और उसने जो है वो फिर उसके बाद इसे आप प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने प्लॉट कर लिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लास लेबल्स, तो इसका ये बन गया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि ट्रू लेबल्स यहाँ पे ट्रू हैं और यहाँ पे प्रिडिक्टेड हैं, जो यानी कि मैंने कन्वेंशन यूज़ की है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो चीज़ जो है ना ये ट्रू में यानी कि हकीकत में ये नेगेटिव थी, और जो प्रिडिक्ट इसे किया है वो नेगेटिव ही किया है उसने प्रिडिक्ट, तो ये ट्रू नेगेटिव बन गई। अब इस चीज़ के ऊपर आ जाएं, इसके बॉक्स के ऊपर आ जाएं, तो ये हकीकत में जो थी वो पॉजिटिव थी लेकिन इसे जो प्रिडिक्ट किया गया वो नेगेटिव किया गया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव। और फिर अब इस बॉक्स के ऊपर आ जाएं तो ट्रू यानी कि हकीकत में ये वाली इमेज जो थी 3 इमेजेस ये नेगेटिव थी लेकिन इन्हें प्रिडिक्ट किया गया पॉजिटिव, तो ये फॉल्स नेगेटिव, हमारे पास 3 इमेजेस आ गई। और ये वाली जो आएगी ये हकीकत में भी पॉजिटिव थी और इसे पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट मैट्रिक्स से। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए ये प्लॉटिंग फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये बस इस तरह इस फॉर्म में जो है वो रिटर्न कर देता है 39, 3, 5, 37। तो अगर वो फंक्शन प्लॉटिंग आपने बना लिया हो तो फिर ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। सर आगे कंटिन्यू करूँ अब विद डेटा ऑगमेंटेशन आगे मैंने किया है या काफ़ी था, मतलब एक मेन चीज़ें बता दी हैं? हाँ कंटिन्यू करो अनंत, इसको जी कंप्लीट कर। जी ठीक ठीक हो चले। इसके बाद ये अब यही काम फिर सर ने कहा करना है, तो फिर विद डाटा ऑगमेंटेशन हमने यही काम किया। मैंने पहले दोबारा चेक कर लिया कि मेरे फोल्डर्स के अंदर जो हैं जितनी इतनी इमेजेस थी उतनी उतनी उसी तरीके से मौजूद हैं, कहीं पे कोई मूव तो नहीं हुई, कोई और इशू तो नहीं हुआ, और टेस्ट जनरेटर्स वगैरह दोबारा बना लिए मैंने। दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने भी यूज़ हो जाएंगे, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
इतने यानी के कोड को, या इससे नीचे नीचे जो कोड है उसे नई नोटबुक में बनाना, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। खैर, ये हमने सिक्वेंशियल मॉडल बना लिया, उसी तरह का ही मॉडल है हमारा सारे के सारा। और पिछली दफ़ा, इस दफ़ा मैंने जो है वो एडम ऑप्टिमाइज़र लगाया है, और इसके अंदर लर्निंग रेट के साथ जो है आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। जो रेकमेंड किया जाता है वो ये होता है कि आप इनिशियली जो है वो मल्टीपल लर्निंग रेट्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल 0.001 यूज़ कर लिया, 0.01 यूज़ कर लिया, 0.11 या 2 इस तरह यूज़ कर लिया, और 2-3 ईपोक जो है आपने चलने दिए। और फिर जिस लर्निंग रेट के कोरिस्पोंडिंग आपको लगेगा कि लर्निंग ज़्यादा फास्ट हो, स्टेबल लर्निंग है, और फिर उससे इर्द गिर्द जो है वो आप वेरिएशंस करने हैं, जितनी आपने वेरिएशंस करनी है। तो सारा वही कोड है, दोबारा वही कोड है, सिर्फ इस दफा जो है हमने जो चीज चेंज की है वो ये चीज चेंज की है कि ट्रेनिंग डाटा के लिए जो हमने जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हमने रोटेशन रेंज दे दी 10, विड्थ शिफ्ट जो है वो 10% की दे दी हमने, हाइट शिफ्ट जो है वो भी 10%, और जूम रेंज और हॉरिजेंटली भी फ्लिप कर दिया। मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा भी रख के देखा था, जब इसे 40 रखा हुआ था या इसे 20 रखा हुआ था और इसे 20 रखा हुआ था, तो मसला ये आ रहा था कि ट्रेनिंग के अंदर जो एक्यूरेसी जो थी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो थी वो भी इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, वो 50% 60% से ऊपर नीचे नहीं जा रही थी। तो मुझे यही लगा कि डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्डली डिफरेंट किस्म का, उसे डाटा जो है वो हर ईपोक के ऊपर जो है वो चेंज होके मिल रहा है, इस वजह से वो किसी चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रहा प्रॉब्लम को सही तरह से। तो मैंने फिर क्या किया था, मैंने इसी वजह से ये फिर ये जो रेंजेस जो थी ये फिर थोड़ी डिक्रीज कर दी थी, इसके बाद कोड जो है वो सही चल गया था। दोबारा चेक पॉइंट्स जो हैं वो इनिशिएट हमने किए एक और फोल्डर के अंदर। इसके बाद थोड़े आपका एड्रेस बड़े आ रहे होंगे, क्योंकि मेरा वो जो रन टाइम था ख़त्म हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर के ऊपर ही ट्रेन किया था। ये सारा कुछ हमारे पास सेव हो गया, ये हमारे पास आ गई ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, ये लॉस आ गए। दोबारा हमने वही मॉडल को जो है वो तमाम के तमाम चेक पॉइंट्स की प्रिडिक्शन हमने ली टेस्ट डाटा के ऊपर और वैलिडेशन डाटा के ऊपर। और बाकी वही कोड है सारे का सारा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट की। तो डाटा ऑगमेंटेशन के बाद बज़ाहिर जो है वो F1 स्कोर जो है वो कम होता हुआ नज़र आया। मैंने काफ़ी डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ चेक की, लेकिन डाटा ऑगमेंटेशन के बाद जो है वो कम ही थोड़ा सा नज़र आया, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो गया। लेकिन एक चीज़ थी कि डाटा ऑगमेंटेशन के बाद चाहे F1 स्कोर्स इम्प्रूव नहीं हुए, चाहे थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन मॉडल जो था वो जनरलाइज ज़रूर बेहतर हो गया था। आपका मॉडल जो था वो वैलिडेशन डाटा के ऊपर भी अच्छी रिजल्ट्स दे रहा था, और टेस्ट डाटा के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था। पिछले वाला जो मॉडल था उसके अंदर ये इश्यू था कि वो टेस्ट के ऊपर या तो अच्छे दे रहा होता था या वैलिडेशन के ऊपर अच्छे दे रहा होता था, तो डाटा ऑगमेंटेशन की वजह से ये ज़रूर हुआ है कि मॉडल जनरलाइज बेहतर हो गया। अब सर ने कहा था फिर यही काम आपने फंक्शनल एपीआई के फॉर्मेट से करना है, तो यहाँ पे यानी कि कोड जो आप लिखोगे सारा मॉडल जो बना गए वो फंक्शनल एपीआई के फॉर्मेट में बनाएंगे। जी मैं आमिर भाई मैं शेयर कर मैं व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड कर दूं अगर सर कहते हैं अभी अभी तो। कर दीजिएगा हनस भाई, तो इसकी रेफरेंस हमें जी दीजिएगा। कर अच्छा दें मैं कर दें, आपको, सबको फायदा हो जाएगा। मैं अभी अभी कर देता हूँ। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टेस्ट डेटा सेट आपने बैलेंस ही क्यों लिया, कोई रीजन है खास?
जी वो इनिशियली दरअसल इशू इस तरह हुआ था कि मेरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो थी ना वो नहीं जनरेट हो रही थी, उसके अंदर डिवीजन बाय जीरो का एरर आ रहा था। तो मैंने उसके बारे में जब सर्च किया था तो उन्होंने कहा कि क्लास इम्बैलेंस की वजह से आ जाता है, लेकिन वो क्लास इम्बैलेंस का इशू नहीं था। तो उस टाइम फिर मैंने क्लास इम्बैलेंस को ख़त्म करके उसे चलाया और फिर बाद में भी चलाया, तो इस वजह से गलती से हो गया था मेरे से। लेकिन टेस्ट डाटा सेट के अंदर तो ज़रूरत नहीं है, सर आपको बेहतर आगे बता देंगे। मेरे हिसाब से टेस्ट डाटा सेट के अंदर जो है वो क्लास इम्बैलेंस हो भी सही तो मसला नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग डाटा जो है उसके अंदर अगर क्लास इम्बैलेंस हो और फिर आप डाटा ऑगमेंटेशन भी लगा दें ऊपर से, तो जाहिर सी बात है कि वो जो इम्बैलेंस था वो एग्जैसरबेट हो जाएगा एक किस्म से, वो और कड़वा ऊपर से नियम चढ़ाव हो जाएगा। सर आगे बेहतर बता सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, क्या क्वेश्चन? सर तीनों डेटा का बैलेंस होना जरूरी है? ट्रेनिंग वैलिडेशन का बैलेंस होना काफी है या फिर तीन मतलब टेस्ट का? बैलेंस किसमें आकर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं या क्लास बैलेंस की बात कर रहे हैं? सर क्लास बैलेंस और रिकॉर्ड्स मतलब अगर दोनों में सब में एक नंबर बैलेंस हो तो बहुत नंबर अच्छी बात है, बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रवाह ट्रेनिंग के अंदर भी अगर क्लास बैलेंस है तो होनी ही चाहिए, इस तरह वैलिडेशन में भी और टेस्टिंग में भी जो है वो क्लास बैलेंस होनी चाहिए। ठीक जी। तो अब इसके बाद यही काम जो है वो सर ने लिखा हुआ था कि फंक्शनल एपीआई के फॉर्मेट से करना है। फंक्शनल एपीआई का फॉर्मेट जहाँ तक तो सिंगल मॉडल्स बनाने हैं तो मुझे नहीं मुश्किल लगा, मैंने भी इंटरनेट से ही देखा था। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा केरास की ऑफिशियल यानी कि वेबसाइट की, उनकी है वो लिंक फंक्शनल एपीआई के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो छोटा मोटा मॉडल हो तो उसकी तो आराम से कोड की समझ आ जाती है कि क्या करना है। तो इसके अंदर डिफरेंस बस यही आता है कि आपने शुरू में इनपुट्स जो हैं वो इस तरह लेने होते हैं, एक इनपुट जो है इसे आपने इंपोर्ट करना होता है टेंसर फ्लो डॉट केरास से, इसके अंदर आपने अपनी इनपुट शेप रखनी होती है, और फिर ये हर जो पिछली लेयर जो होती है वो अगली लेयर जो होती है वो पिछली लेयर के साथ यहाँ पे इस तरह लगती है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स यहाँ पे था, इसके बाद हमने ये वाली लेयर बनाई तो इनपुट्स को यहाँ पे लगा दिया, और फिर एक्स वाली जो पिछली लेयर थी वो यहाँ पे लगी, फिर ये वाली एक्स की लेयर को यहाँ पे आप इस तरह ज़रूर लगाते हो। तो बाकी मुझे ज़्यादा इसका नहीं पता, मैंने इंटरनेट से बट इसका हमारी जो सिक्वेंशियल लेयर होती है उसके अंदर ऑटो ऑटो जो है वो इनपुट प्रीवियस लेयर का आउटपुट जो है अगली लेयर का इनपुट बन रहा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा आउटपुट बन रहा है वो सेव हो रहा है और फिर वो अगली लेयर के साथ हम उसको खुद भेज रहे हैं, और इसमें कंट्रोल जरा ज्यादा होता है क्योंकि किसी लेयर के आउटपुट के अंदर अगर मुझे मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आउटपुट मेरे पास टेंसर की शक्ल में एक्स के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है हर लेयर के बाद। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस जब हम मल्टी इनपुट मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो तीन तरह के इनपुट होते हैं और मुझे किसी लेयर के अंदर किसी और लेयर से आने वाला आउटपुट जो है वो भी इंजेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम यहाँ पर जो है वो इस वक्त मैं एक्स को नहीं डालना चाह रहा तीसरी लेयर के बाद, चौथी लेयर में एक्स नहीं डालना चाह रहा बल्कि कहीं और से X2 आ रहा है जिसको मैंने यहाँ इंजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ X2 को जो है वो इनपुट बना के इस लेयर के लिए डाल दूंगा। तो इस तरह मल्टी इनपुट मॉडल्स के लिए भी यहाँ आसानी हो जाती है और कंट्रोल भी हमारे पास होता है कि जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो अगली लेयर में जाने से पहले अगर मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मैं कर सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, रियल लाइफ में और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉडल ही होते हैं आमतौर पर। हर कॉम्प्लेक्स मॉडल आप देखेंगे उनके पीछे ज्यादातर फंक्शनल एपीआई के ही मॉडल स्टाइल में मॉडल बनाया जा रहा होता है। ठीक है, और आप अभी मैंने देखा कि वो जो नया वर्जन ऑफ बुक आया हुआ है हमारी इसी डीप लर्निंग वाली का, उसने उस सारे कोड जो है सिक्वेंशियल वाले वो रिप्लेस मार दिए फंक्शनल एपीआई से। तो इसको यूज टू कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं, समझ वैसे समझ में आ रहा है इतना मुश्किल नहीं है,
बस ये कि इनपुट लेना है, इनपुट की लेयर लेनी, और आखिर में मॉडल में इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों जमा कर दें। अगर आपके पास वो लेटेस्ट बुक है तो काइंडली वो जरा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा मैं डाल देता हूँ, ठीक है सर थैंक यू वेरी मच। जी। तो ये बिल्कुल मैंने आर्किटेक्चर जो था वो सेम वाला ही रखा पिछले, जो मैंने फंक्शनल एपीआई फॉर्मेट के बगैर आर्किटेक्चर था, सेम वही आर्किटेक्चर मैंने रखा, और बस ये है कि फंक्शनल एपीआई फॉर्मेट में इस दफ़ा मैंने बनाया। फिर मैंने मॉडल की समरी देख ली, और समरी को जो मैंने कंपेयर भी कर लिया कि जो मैंने मॉडल बनाया है वो सारे उसके ये आउटपुट शेप्स और पैरामीटर सब कुछ सेम ही है, तो वो मॉडल बिल्कुल सेम ही था। एक चीज़ मुझे जो अभी नज़र आई है, मेरे पहले जहन में नहीं आई, यहाँ पे 512 हमने इसके आउटपुट्स दिए हैं और आगे सिर्फ हमारे पास एक सिग्मोइड एक ही है। हो सकता है यहाँ पे हम लोगों का काफ़ी इशू आ रहा था कोड में, हो सकता है कि बॉटल नेक यहाँ पे बांध रहा हो। सर ने एक दफ़ा इसका कुछ जिक्र किया था, तो हो सकता है यहाँ पे बॉटल नेक बॉटल नेक तो नहीं ही। बनेगा, बॉटल नेक तो नहीं बनेगा, लेकिन कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है। बॉटल नेक तो तब बनता है जब लेयर छोटी हो के फिर दोबारा आगे बड़ी हो जाए, जैसे वन लगाया आगे फिर दोबारा ज्यादा नोट लगा दिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कन्वर्जेंस, क्योंकि फॉरन ही कन्वर्ट कर दिया है 512 से 1 पे, तो हो सकता है कि ज्यादा कन्वर्ट हो जाए, रिप्रेजेंटेशन जो है वो सारी जो है वो टूट जाए ज्यादातर। तो इसको हम एक आध लेयर बीच में और डाल सकते हैं। सर जी कन्वर्जन वैल्यू जो है वो रिकमेंडेड कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंट, 10%, 5%? ये तो बहुत अच्छा ये तो हमने देखा था कि लेयर की कॉम्बिनेशन हम 512 से ले आए, अगर 256 पे ले आए, फिर 128 पे, 128 पे ले आए, फिर 64 पे ले आए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करके ला रहे थे, डायरेक्ट हमने नहीं गिराया कभी भी। हाँ ये हो सकता है, चलो 512 से जो है वो एक लेयर लगा लो 256 की, उसके बाद 1 पे ले आओ या 16 पे ले आओ, तो फिर राइट। शायद रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। ये मेरी इंट्यूशन है काम करते वक्त की, जो है ना, जो हम जहन में रखते हैं। तो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। सर इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि यहां से आपने ग्रेजुअली कैसे डाउनवर्ड मूव करना है, स्पेसिफिक कोई वैल्यूज? रिकमेंडेशन यही होती है कि जो लेयर का साइज है वो वही 2 की पावर में चले, जैसे फाइव ओके ओके हंड्रेड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड अंडरस्टैंड। ट्वेल्व जो 2 की पावर 8 या 9 है, तो फिर 2 की पावर 7 पे आ जाए, 2 की पावर 5 पे आ जाए, 2 की पावर 3 पे आ जाए, एंड देन राइट, 2 की पावर 1। थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यू क्लियर हो गया? करें जी। तो एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, हो सकता है कोई स्पेसिफिक मेरे कोड में ही इशू हो, तो ये आ रहा था कि फंक्शनल एपीआई के फॉर्मेट में जब कोड लिखते थे, तो अब जो मॉडल जो था स्पीकर ऑन है, तो उसका ये होता था कि फिर मॉडल जो है पुराने लर्निंग रेट के ऊपर जो है वो सही तरह ट्रेन नहीं करता था। फंक्शनल एपीआई फॉर्मेट से बनाने के बाद मॉडल के लर्निंग रेट को दोबारा फिर वेरी करके चेक करना पड़ता था कि कौन सा लर्निंग रेट जो है वो सही है। तो फिर इसी वजह से आप देखेंगे कि विदाउट फंक्शनल एपीआई जो मैंने बनाया था उसके अंदर लर्निंग रेट और था, और यहाँ पे लर्निंग रेट और है। तो अब इसके बाद सारा वही पुराने वाला कोड है, कॉल बैक्स जो है सेटअप कर लिए मॉडल को, उसके बाद ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद मॉडल को सेव कर लिया और फिर उसकी प्लॉटिंग कर दी। तो अब काफ़ी कम आई है पहले के मुकाबले में एक्यूरेसी वगैरह। मॉडल को उसके बाद तमाम के तमाम चेक पॉइंट्स को जो है वो टेस्ट और वैलिडेशन डाटा के ऊपर उनकी प्रिडिक्शन लेनी है। तीसवां चेक पॉइंट जो था वो सबसे बेहतर लग रहा था, उसे लोड कर लिया, स्पेसिफिकली 30वें पॉइंट के चेक पॉइंट का F1 स्कोर दफा काम आ रही थी, लेकिन F1 स्कोर जो है वो इस दफा काफी अच्छा आया है, 0.93 पे आ रहा है। लेकिन एक इसके अंदर ये सर बेहतर बता सकते हैं कि ये कोई इशू
फॉल्स यहाँ पे फर्क आ रहा है, ये सर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कोई इशू वाली बात है या नहीं है? अच्छा रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं है क्या था। उसके नेट का इशू था, वो ऑफ हो गया। अच्छा, जब तक हम लोग कंटिन्यू करते, ठीक है। परवर जी सर, बेटे पंखा थोड़ा स्लो कर दीजिए, आवाज शोर कर रहा है बहुत। अच्छा एक लिंक मैंने अभी शेयर कराया था यहाँ पर, चैट में भी दे देता हूँ उसको, देखो वहाँ कहीं होगा। चैट में भी दे दिया है कि कैगल डाटा को डायरेक्ट जो है ना कनेक्ट कर देते हैं गूगल ड्राइव के साथ, तो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, सेटिंग में जाके इसको भी देख लीजिएगा, एपीआई टोकन वगैरह जनरेट करा के फिर हम सिर्फ कैगल के पास जो है ना एक यूआरएल आ रहा होता है कैगल का, वो यूआरएल सिर्फ हम चला देते हैं, डाटा हमारा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने अभी चैट में दे दिया है, काफी जी यूजफुल होता है कि अगर कोलैब पे काम कर रहे होते हैं, डाटा पहले डाउनलोड करते हैं फिर उसको ड्राइव पे अपलोड करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, हमने जो है बेसिकली मेरा प्लान ये किया हुआ है कि हम एक तो हमने एपीआईज बनाना सीखनी है फ्लास्क के थ्रू, नंबर टू हमने जनरेटिव एआई में जाना है, और वैसे आप लोगों में से आई होप सो कि ज्यादातर लोगों ने प्रम्प्ट इंजीनियरिंग वाला कोर्स जो है वो कर लिया होगा, क्या जी सर किया मैं सर। सही? ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो वो उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस कोर्स को जो है वो कर लें, डीप लर्निंग डॉट एआई पे चले जाएं या कोर्सेरा पे चले जाएं, वहां पर ये आराम से जल्दी से आपका कोर्स जो है वो हो जाएगा। ये एम्बेडिंग्स वगैरह का है, ये वाला है, तो सिर्फ आपने लॉगिन करना है बस अपनी ईमेल आईडी से, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर का है, बहुत बड़ा नहीं है, जिन लोगों ने कर लिया है दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो इसको कर लें। सर लिंक दे देता हूं मैं इसका भी चैट के अंदर। थैंक अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने जो है फ्लास्क पढ़नी है, कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लास्क पे काम किया हुआ है अभी, कोई है हमारे पास? कोई भी नहीं है, चैट में बताएं मुझे। अ लिटिल बिट नो सर, ओके चले ठीक है, किया हुआ है सर, नहीं किया, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, हम अभी कर लेते हैं। नो सर, नो सर फ्रॉम अच्छा माय हम तो साइड। जेंगो तो हमने पढ़ा हुआ था, जेंगो का सेटअप जरा हैवी होता है, टाइम भी लगता है उसमें, फ्लास्क बड़ी सिंपल है, जल्दी एपीआई बना देती है, अगर आप जेंगो में काम करना चाहें तो जेंगो में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है अच्छा है, चलो फ्लास्क का भी हमें एक फ्लेवर जो है वो मिल जाएगा कि ओके, किस तरह राउटिंग शाउटिंग चलती है, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा आप चलो नीचे
लिंक शेयर कर दें, इसका डीप लर्निंग डॉट ए आई। मैंने दिया, चैट में डाल दिया शायद। सर बुक भी शेयर कर दूं? ओके हाँ बुक भी चैट में डाल देता हूँ। चलो okay. बुक तो थी लेटेस्ट वाली शायद आप लोगों के पास। बुक भी दे दिए मैंने। क्लास की बुक भी दे रहा हूँ, उसको भी रेफर कर लीजिएगा वैसे तो। चलो ठीक है, सर ग्रुप में दे रहे हैं सर? ओके व्हाट्सएप पे उसपे दिए मैंने चैट पे। ओके 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 सर। अच्छा अभी व्हाट्सएप पे भी कोई डाल देना, व्हाट्सएप पे यार अब मैंने अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप भी लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन सर तो आया ये मेरा। फ्रांस से शॉले का जो सेकंड एडिशन है। जी, सर मैं कर दूंगा शुरू। ठीक है। मैंने वैसे चैट में दे दिए, वहां पे भी ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक चीज मुझे पूछनी जी। सर। मैं कोर्स देख रही थी एनडी यूनिवर्सिटी में, अभी शायद दिसंबर में शुरू होने वाला है एनएलपी इंजीनियरिव चैटबॉट्स का, तो उसमें शायद सर शायद आप ही इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पर भी। सर मैं कंटेंट देख रही थी उस कोर्स का, उसमें तकरीबन जो हमने इस क्वार्टर जी जो कुछ कवर किया था वो सब कुछ है, सिर्फ एक चीज मुझे न्यू नजर आई, हगिंग फेस मॉडल आप शायद सिखाएंगे वहाँ स्टूडेंट्स को और फिर एक प्रोजेक्ट दे देंगे उनको। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या जी जो मतलब तक सीखा है इस क्वार्टर में, क्या इसके बाद हम हगिंग फेस मॉडल खुद ही को ट्यूटोरियल वगैरह देख कर सीख सकते हैं? अरे 1-1.5 घंटे की बात है, हम इसी इसी में कवर कर लेंगे, कोई मतलब हो गई। चले सही है सर, ओके। अच्छा अभी कितने लोगों को पता है क्लास क्या है? अच्छा क्लास सर लाइब्रेरी है जिस पर हम वेब डेवलपमेंट सर कर सकते हैं। मोस्टली हम क्लास के ऊपर जो है वो बैकएंड लिखते हैं, और बैकएंड जो है मोस्ट ज्यादातर जो है वो एपीआई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रो सर्विसेज के लिए फ्लास्क बेहतरीन है, जल्दी इसका सर्वर अप हो जाता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और बहुत सिंपल क्विक एपीआई जो है वो बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे इस मॉड्यूल का पार्ट भी था फ्लास्क का, तो वो हमने कवर करना था। छोटा सा है फ्लास्क का फ्रेमवर्क और अच्छा काम करके दे देता। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। क्लास की मैंने बुक वैसे आपको शेयर कर दी है, आप यहाँ पर जो है। अच्छा गिटहब वगैरह तो यूज कर रहे होते हैं ना सब लोग? जी सर, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है फाइल क्रिएट करने लगे, बल्कि क्लास के अंदर पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम टेस्ट प्रोजेक्ट कह देते हैं। अच्छा अनस रिक्वायरमेंट, तुम्हारी पॉपअप आ रहा है अनस मीटिंग रिक्वायर्ड रिकॉर्ड करने का, मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक ठीक है सर। है, अच्छा जी टेस्ट का मैंने टेस्ट का एक फोल्डर बना लिया है, और सबसे पहले मैं इस टेस्ट के फोल्डर के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ टर्मिनल पे आ गया हूँ। नीचे टर्मिनल कमांड लाइन पे चलना चाहिए, पावर शेल में नहीं चलना चाहिए, वरना वर्चुअल इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मॉड्यूल 3 फ्लास्क मैं टेस्ट का फोल्डर अपलोड कर लेता हूँ। सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? फॉन्ट छोटा तो नहीं है? ठीक सर है, इट्स ओके, इट्स ओके।
मैं कोंडा से क्रिएट कर रहा हूँ, कोंडा क्रिएट -c VENV। पाइथन का वर्जन बताना पड़ेगा, जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्जन लेना है 3.8 से अबव लीजिएगा, फिलहाल के लिए अच्छा है। ठीक है, आखिर में मैंने वाई लिख दिया है फॉर, कोई जहाँ यस मांगे वो ऑटो यस चल जाए। ठीक है, कमांड आप लोग भी लिख लें, चला लें, कंट्रोल सी करके मैं चैट में भी दे रहा हूँ, साथ साथ कर लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, चैट में मैंने कमांड दे दी है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर ये एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर देगा। एनवायरनमेंट बना के इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ वर्जन के साथ जो है ना ऑलरेडी काफी काम चल रहा है। ठीक अगर सर किसी कौन के नहीं? पास कोंडा का एरर आ रहा है तो जी सर, वो मुझे बता दे, उसको रिजोल्व कर लेंगे, अगर वरना पिप से भी एनवायरनमेंट बन जाता है, पिप की कमांड दूसरी है। तब हमारे पास कौनडा से एरर आ रहा है। तो एनाकोंडा इंस्टॉल है? पहला कौनडा इंस्टॉल नहीं है सर। अकाउंट ने इंस्टॉल नहीं किया होता, पिप से इन्वायरमेंट क्रिएट फिर करें, से हो गूगल पे जाएगा। जाके कमांड, हाँ गूगल पे जाके कमांड ले लें पिप इन्वायरमेंट क्रिएट की, तो वो बता देगा कि क्या क्या कमांड चलानी है। ठीक अगर कोंडा इंस्टॉल है और कोंडा नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है तो मुझे बताएं, मैं इसको एनवायरनमेंट सेट करवा दूं। अच्छा जी, ये एनवायरनमेंट बन गया है मेरे पास। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करने लगा हूँ, कोंडा एक्टिवेट VENV/। अच्छा जी, कहता है एनवायरनमेंट नॉट फाउंड, मैं तो स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग VENV थी आपकी। VENV। हो गया, ये एनवायरनमेंट जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पीछे आपके पास, आपके रूट पाथ के पीछे आपको एनवायरनमेंट जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, सर अगर ये विजुअल स्टूडियो में ना कर रहे हो और वैसे ही वो CMD के जरिए से कर रहे हो तो वहाँ पे भी हो जाएगा ना ये, हाँ, एनवायरनमेंट कहीं से भी क्रिएट हो जाएगा। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सर उसे करें या आप? अब ये अपने सिस्टम की प्रेफरेंसेस देख लो कि अगर वहां कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर से रन कर लेना, वरना अगर देख ठीक, थैंक यू सर। लेना। चलिए टर्मिनल आ जाओ,
इस फोल्डर इन्वायरमेंट बेसिकली बना है, तो उसको लोड करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये अब इन्वायरमेंट वाला काम हो गया। एक फाइल मैं क्रिएट करने लगा हूँ, टेस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये फाइल जब आप इस तरह क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये इन्वायरमेंट के अंदर जाती नजर आ रही होगी, तो इसका ख्याल रखना है। खैर, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट की फाइल बना दी मैंने, इसको बाद में बाहर निकाल दो। यही बात नहीं आई। रूट पे जाके बाहर कर लेता हूँ, तंग। ये यहाँ चली गई हमारी रिक्वायरमेंट्स की फाइल। अच्छा, यहाँ होनी चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के अंदर नहीं। ठीक है, ये मेरे ओके पास फाइल है। इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नमपाई इंस्टॉल करना है, पांडाज इंस्टॉल करना है, फ्लास्क इंस्टॉल करना है, ठीक है, फ्लास्क के साथ जो है वो एसक्यूएल भी चाहिए, तो सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर से मैं डायरेक्टली रन कर दूंगा पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। तो इस इन्वायरमेंट जो वर्जन भी अगर कोई देना है पर्टिकुलर वर्जन तो यहाँ दे सकते हैं साथ में, सारी रिक्वायरमेंट्स जो है इंस्टॉल कर देंगे। सर, ये इस पे एरर दे रहा है, कुड नॉट इंस्टॉल पैकेजेस ड्यू टू एन ओएस एरर, एक्सेस इज डिनाइड। किस किस पैकेज पे दे रहा है? दे रहा स्टार्ट में दे दिया या किसी पर्टिकुलर पैकेज पे आके देता है? है, आई थिंक फ्लास्क माई एसक्यूएल पे दे रहा है। अच्छा, तो फ्लास्क हो लास्ट सकता है। मैंने पैकेज फ्लास्क बाय इसको मैं चेक कर लूंगा, ये पैकेज में अंडरस्कोर स्टोर ना लगा हुए, मेरे पास तो हो गया फ्लास्क अच्छा अंडरस्कोर माइस्क्वेल डीबी। हो जाता है कभी अगर हम पैकेज के नाम में तो आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पे मैं सोच रहा था शायद अंडरस्कोर ना लगे जैसे माइस्क्वेल में लगा, लेकिन वो चल गया। ठीक है, बाकी लोगों के पास हो गया? अच्छा जी, हमने एक रेपो बनानी है गिटहब के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ठीक बल्कि यही गिट इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको जो है गिट आता होगा,
सही सोच रहा हूँ मैं? ठीक यस सर, है, यस सर। गिट इनिशियलाइज करके मैं यहाँ गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसमें से मैं गिट ऐड कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी वाली फाइल को। ठीक है, ऐड करने के बाद गिट कमिट। ठीक है, ठीक है, ये कमिट हो गया मेरे पास। कमिट के बाद मैंने रिमोट रेपो ऐड करनी होती है। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करते हैं? नवीद को कोई जवाब दे भाई, नवीद को कोई जवाब दे सर, कोई भी जवाब दे दे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करते हैं? मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी यहाँ पर, पब्लिक रिपोजिटरी, और क्रिएट रेपो कर दिया मैंने। ठीक है, इसका मैंने URL कॉपी कर लिया। कोई जवाब नहीं दे रहा इसको भाई, जल्दी बताओ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बना रहे हैं? सपोज सर जी ने जवाब दे हम दिया चैट के अंदर, वी वांट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट वर्जन। बिल्कुल सही। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट हम इसलिए बनाते हैं भाई कि जब अब कहीं किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में पाइथन 3.9 रिक्वायर्ड है, किसी में पाइथन 3.8 रिक्वायर्ड है, किसी पर प्रोजेक्ट में फ्लास्क का कोई और वर्जन रिक्वायर्ड है, पांडास का कोई और वर्जन रिक्वायर्ड है, तो एनवायरमेंट बना के हम नए प्रोजेक्ट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को एक बाउंड्री के अंदर रख लेते हैं, ताकि के बाहर उसका इंटरफेरेंस ना आए और कंफ्लिक्ट ना आए। अगर सारी वर्जन एक साथ ही ओपन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देंगे बेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर ये कंफ्लिक्ट आने लगेगा, कमांड्स जो हैं वो तंग करने लगेंगी, आपको नहीं चलेंगी। ठीक है, अच्छा जी, गिट इनिट कर दिया था, गिट रिमोट, गिट ब्रांच भी चेंज कर लेता हूँ। ब्रांच अभी हमारे पास कौन सी है? मास्टर है, गिट ब्रांच एम। सर प्लीज थोड़ा सा जूम कर ले अपनी स्क्रीन को। सर अच्छा जी, अच्छा जी, आप ठीक है? शुक्रिया। ठीक है, अब मेरी ब्रांच जो है वो मैं नाम चेंज कर दिया मैंने। तो जी, गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये मैंने ओरिजिन दे दिया इसको, ये ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम आमतौर पे अपने प्रोजेक्ट में एक रीडमी फाइल भी बना देते हैं, रीडमी डॉट एम डी। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, सर डॉट एमडीओ क्या मतलब होता है? ये एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मेट है इस फाइल का, ये रीडेबल फाइल होती है, टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल नहीं होती, बल्कि एमडी जो है वो इसका एक्सटेंशन रखा जाता है, और ये मार्कडाउन। मार्कडाउन के तौर पे ना।
REST API। इसके अंदर हम चीजें अपनी ऐड करते रहते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है उसका भी यहाँ लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो सर जो REST API और सिंपल API में क्या फर्क होता है? अच्छा, सिंपल एपीआई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म का डेटा आ सकता है। REST API के अंदर मोस्टली जो है वो JSON फॉर्मेट में डेटा जाता है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी की फॉर्म में जाता है, पाइथन की जैसे डिक्शनरी होती है उस तरह डेटा जाता है। और हम REST API ज्यादा प्रेफरेबल होती है यूज करने के लिए या दूसरी APIs? इस वक्त जो माइक्रो सर्विसेज बनती हैं, छोटी एपीआई बनती हैं या क्विक एपीआई बनती हैं, वो ज्यादातर REST API ही बनती है। और क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मेट चाहिए होता है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल हो, यानी जो API मैंने यहाँ बनाई है पाइथन के थ्रू वो कहीं भी इम्प्लीमेंट हो सके, जावास्क्रिप्ट में भी हो जाए, जावा में भी हो जाए, कहीं भी हो जाए। एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए होता है डेटा ले जाने का, लेकर आने का, जो हर लैंग्वेज सपोर्ट करती हो, तो उसके लिए REST API बेस्ट है। ठीक है, और अगर दूसरी API से बने तो उसमें फिर हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है कोई? उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं डिफरेंट तरह के, फिर ऑब्जेक्ट को हमें मुख्तलिफ अंदाज में पार्सिंग करानी पड़ती है और काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर भी। टाइप्स ओके, के भी तो कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा ठीक REST है, अभी API हम, ज्यादा प्रेफरेबल होती है। हाँ प्रेफरेबल होती है और आसान भी होती है, बहुत सिंपल जल्दी से रहता है। अच्छा जी ठीक है, ये सर मैंने एम डी फाइल बना दी। जी जी फास्ट एपीआई और REST API में क्या फर्क है सर? अच्छा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं पहले एक्सप्लोर कर लूँ सही मानों में कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, वो जो गलत ना हो जाए। ठीक है ना, वैसे अगर किसी को पता है तो वो ऐड कर सकता है। एग्जैक्टली फास्ट एपीआई और REST, बेसिकली ये कोई वो REST मतलब वो REST नहीं है, फास्ट मतलब वो देने के फास्ट एपीआई, जबकि REST का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, तो फास्ट या REST से मुलाद ये नहीं कि स्लो डेटा जा रहा हो या फास्ट डेटा जा रहा हो, तो वो भी कोई टेक्निक के नाम है बेसिकली। तो मुझे फास्ट का एब्रीवेशन अभी याद नहीं आ रहा क्या था। चलिए मैंने भी एक फाइल बनाई हुई थी रिक्वायरमेंट्स की जो ऐड की थी, उसको पुश कर दिया यहाँ पर जस्ट टू चेक कि हम यहाँ पर डाटा मौजूद हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स की फाइल यहाँ पर आ गई। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं एक काम करने लगा हूँ, एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करने लगा हूँ, ये मैं वहां से भी क्रिएट कर सकता हूँ। इस फाइल का नाम होता है गेट इग्नोर फाइल, इसका पाइथन वाली टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कमिट चेंजेस विट इग्नोर फाइल एडिट। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर, मेरे पास अभी मैंने रिक्वायरमेंट्स की फाइल डाली थी, रीडमी की फाइल ऐड की है। वंस अगेन मैं क्या करने जा रहा हूँ, गेट एड रीडमी फाइल क्यों उठा रहा है, विजिटल एनवायरनमेंट के अंदर भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारी रीडमी फाइल कहाँ बनी है, अभी टेस्ट के भी बाहर बन गई क्या? अच्छा, तो टेस्ट के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, शो नहीं कर रहा था। तो गेट एड रीडमी फाइल, ठीक है, अब मैं इसको गेट कमिट कर देता हूँ।
इसको पुश करने लगूंगा, गेट पुश ओरिजिन मेन, मेरे पर एरर आएगा। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? कभी भी हमारी जो गेट रिपोजिटरी है, अगर वहाँ लोकल रिपोजिटरी के अलावा कोई काम पड़ा हुआ है जो हमारे पास लोकल में काम है, हमारी गेट रिपोजिटरी अगर हमारी लोकल रिपोजिटरी से डिफरेंट है, वहाँ कुछ फाइल्स एडिशनल हैं, कुछ नहीं करने देगा, विल ऑलवेज से कि भाई हमारे पास जो है रिमोट भी जो है उसके अंदर काम ऐसा है जो लोकल में नहीं है, तो अगर कोई और भी उस पर पुश कर रहा होता है तो ये होता है, तो लिहाजा पहले गेट फुल करें ताकि आपके रिमोट और लोकल जो है वो इक्वल आ जाए। तो गेट फुल ओरिजिन में, अभी हमारी इग्नोर वाली फाइल यहाँ नजर आ जाएगी, हम ये आ गई। ठीक है, अब हम पुश कर सकते हैं, गेट पुश, आपने गेट और पुल किया पहले? सॉरी, पहले मैंने पुल किया है, पुल किया है सो दैट जो वहां रिमोट का काम है वो मेरे पास आ जाए, ताकि मेरी ये वाली रेपो और मेरी रिमोट रेपो इक्वल हो जाए। तो गिट पुल आपने वो कमांड अगर दोबारा दोबारा बता दें। अच्छा, तो ये मैंने लिखा है गिट पुल ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन। ओके, थैंक यू। अब मैं दोबारा इसको पुश करने लगा हूँ, जो पुश करने नहीं दे रहा था मुझे। ठीक है, ये मैंने पुश कर दिया है, तो अब मेरी जो फाइल्स हैं यहाँ पर नजर आ रही है, रीडमी रिक्वायरमेंट सारी फाइल आ गई, रीडमी फाइल यहाँ नजर आ रही है। इसके अंदर हम और भी अपने डिटेल ऐड करते रहेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी ऐड करके भेज सकते हैं। सर इट मीन्स कि हमने इसको ऑनलाइन जो है ना सिंक्रोनाइज किया है, हमारे वहाँ पे ओरिजिन या जो क्लाउड है वो और हमारा जो लोकल एनवायरनमेंट है वो मैच हो गया, इज इट सर? नहीं, इसमें होता ये है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो सबके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जी कि जब सर हम किसी प्लीज। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ये हमारी फॉर एग्जांपल रिमोट रेपो है और ये हमारी लोकल रेपो है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। जी सर ठीक है, अब होता ये है कि प्रोजेक्ट में जो है वो मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके प्रोजेक्ट में अपने घर से बैठ के जो है वो आमिर भाई भी काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। एक टीम वर्क हो रहा है। हाँ, टीम वर्क हो रहा है। तो अब होता ये है कि भाई मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर जो है वो फाइल सेंड कर दी, तो मैंने यहाँ पर फाइल वन ऐड कर दी। ठीक है, और अब जब मैंने फाइल वन ऐड कर दी, तो आमिर भाई जब यहाँ फाइल पुश करने लगेंगे अपनी और कहेंगे भाई मेरी फाइल नंबर फाइल टू है उसको पुश कर दिया जाए, ठीक है, वो नहीं करने देगा। इसको यूं समझ ले कि मैं मॉडल बना रहा हूँ, आमिर भाई जो है उसकी एपीआई लिख रहे हैं। ठीक है, दो एक ही प्रोजेक्ट के लिए, एक बंदा डिजाइन वाला और है, वो वहां से अपना डिजाइन पुश कर रहा है, फ्रंट एंड बना रहा है उसका। सर यहाँ पे अब क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये होती अगर है। अगर फाइल नेम मैच कर जाए तो एम्बिग्युटी होगी? हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फाइल नेम के भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बाज़ुकात एक ही फाइल में दो बंदे काम कर रहे होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। आई होप तो कि गिट वाली वीडियोस में आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अब ये होता है कि भाई ये आपने पुश किया, यहाँ पर मैंने पुश कर दी एक फाइल, जब आप पुश करने लगेंगे तो वो आपको पुश करने नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि प्रोजेक्ट के फोल्डर में ऐसी फाइल मौजूद है जो आपके पास नहीं है। पहले आप पुल करें, ये फाइल आपके पास आ जाए फाइल वन, और फिर आप जो है वो पुश करें फाइल वन फाइल टू के साथ, पूरा दोनों आ जाए। ठीक है, इसी तरह जब ये आमिर भाई ने फाइल टू पुश कर दी है, अब मैं दोबारा पुश करने लगूंगा तो वो मुझे भी कहेगा कि भाई यू डोंट हैव फाइल टू, तो आप पहले वापस पुल करें फाइल टू को, अपनी रेपो को बराबर लाएं और फिर पुश करें। ठीक वेरी गुड है, सर तो ये सर चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आप जब कभी भी पुश करने लगेंगे, ये एरर आ जाए कि वो आपको पुश करने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि किसी और मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट ने उसके अंदर जो है वो पुश किया हुआ है।
अच्छा, इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है कि बीच में एक दीवार खड़ी कर दें। ये दीवार होती है अपनी अपनी ब्रांच की। आप अपनी एक ब्रांच क्रिएट करें यहाँ पर, मैं अपनी एक ब्रांच क्रिएट करूं, हम दोनों उसके अंदर स्मूथली अपना काम करते रहें करते रहें करते रहें। और यहाँ बैठा होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। जब वो शाम में आप बनाते हैं पीआर यानी पुल रिक्वेस्ट, ये पुल रिक्वेस्ट आप शाम में घर जाते हुए बनाते हैं कि भाई पुल रिक्वेस्ट बना दी, मैनेजर के पास रिक्वेस्ट आ गई कि हमारा कोड पुल कर लें आप मेन रेपो के अंदर। ठीक है, मेन रेपो के अंदर हमारा कोड पुल कर लें। तो मैनेजर कहता है भाई ऐसे थोड़ी पुल करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा। वो जाता है आपके कोड को चेक करता है, स्टैंडर्ड को चेक करता है, एरर तो नहीं है, सारी चीजें चेक करता है। अगर वो ओके होता है तो वो क्या कर लेता है, फिर उस उन दोनों ब्रांचेस को पुल कर लेता है। और कंफ्लिक्ट अगर आ रहा होता है तो ब्रांचेस को बेसिकली मर्ज भी कर दिया जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये सब आपने गेट में पढ़ लिया होगा, नहीं या भूल गए? सर पढ़ा हाँ जरूर सर। हुआ, मगर हैंड्स ऑन नहीं ना तो प्रॉब्लम अच्छा, ठीक क्रिएट होती है। पढ़ा जरूर होगा हुआ ठीक सर। होगा। ठीक है, अब से हम जो है वो जो भी काम कर रहे होंगे आगे एपीआई का और एप्स का और मॉडल्स का, वो सारा हम गेटअप पे रखेंगे और मल्टीपल लोग मिलकर उस पर काम करेंगे, तो फिर हमें सारा हैंड ऑन कर लेंगे। सर अगर ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन का डेमो अभी अगर हो सकता तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट अभी रख वही कर रहा लेते हूँ, हैं। आहिस्ता 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 उधर ही जा रहा हूँ ना, इसीलिए थैंक यू रेपो जो सर, है वो क्रिएट करा दी मैंने, थैंक यू इसीलिए सर। यहाँ रेपो बना दी हमने, अभी मेन ब्रांच हमारी बनी हुई है। ठीक हो गया, तो मेन ब्रांच में हमारी चीजें चली गई, रिक्वायरमेंट्स हमारी इंस्टॉल हो गई, रीडमी फाइल बन गई है रिक्वायरमेंट्स फाइल में। अब जब कभी भी मुझे कोई चीज इंस्टॉल करनी होगी मैं रिक्वायरमेंट्स की फाइल में जाके ऐड कर दूंगा और दोबारा रिक्वायरमेंट्स को रन कर दूंगा, तो जो पहले से इंस्टॉल है उस पर आ जाएगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और जो नई इंस्टॉल करनी होगी वो कर देगा इंस्टॉल। सर अच्छा हम जी, अब मैं इसको इस ना, तरह भी यूज कर सकते हैं कि हम सर गेट के ऊपर रेपो बना कर इसे क्लोन कर ले यहाँ पर। हाँ, यूँ कर लें, गेट पे आप पूरी रिपोर्ट क्रिएट कर लें, वहाँ रीडमी फाइल बना लें, रिक्वायरमेंट फाइल बना लें और फिर उसको क्लोन कर लें। जी सर, यूँ भी कर ठीक सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पर अपनी फाइल बनाने लगा हूँ, app.py की फाइल। ठीक है, ये हमारी फाइल होगी जहां हमारा फ्लास्क चलेगा। ठीक है, फ्लास्क क्योंकि हमने, अच्छा सभी लोगों को आइडिया है फ्रंट एंड बैक एंड और दरमियाने एंड का, अगर कुछ लोग नए हैं नहीं पता है तो दे कैन प्लीज रेज क्वेश्चन, क्योंकि मैं बिलावजा अज्यूम करके चल रहा हूँ, बाज लोग होते हैं जो पहली दफा पढ़ रहे होते हैं तो उनको बात समझ नहीं आ रही होती, तो प्लीज आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता ये हम क्या काम कर रहे हैं तो आप सवाल रेज करें। सर एक बिल्कुल ही जनरल सा आइडिया है कि फ्रंट एंड पे ये होता है कि जो चीज़ आपने दिखानी होती है, जो शो किस तरह करना होता है, वो सारा फ्रंट एंड है। बैक एंड पे यानी कि आपका मॉडल वगैरह जो असल में पीछे काम चल रहा है वो बैक एंड, बाकी पता नहीं, बस इतना ही पता। ठीक है ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो एपीआई का कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, अगर मैं यहाँ कोई डायग्राम दिखा दूँ लाइक दिस, कि हमारे पास जो है एप्लीकेशन होती है, सारे इंटरनेट पे चल रही होती है एप्लीकेशन, जैसे हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन है, और वही वो कहीं ना कहीं जो है वो सारे इंटरनेट पे मौजूद है, उसके पीछे वो सारे, वो हमारे सिस्टम में नहीं होती, वो रिमोट किसी सर्वर पे होती है, और वो सारा डेटा जो हमने वहाँ क्रिएट किया होता है वो सारा भी किसी डेटाबेस के अंदर होता है। तो एपीआई इज रेस्पॉन्सिबल कि जब आप वो सारा डेटा जो है वो आपकी कम्युनिकेशन लेके भी जाए और कम्युनिकेशन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स लेकर भी आए। ठीक है, जैसे हम लॉगिन करते हैं फेसबुक के ऊपर या किसी के ऊपर, तो हमारा आईडी पासवर्ड हम डालते हैं, तो आईडी पासवर्ड हमारा जाता है पहले एपीआई लेके जाती है फेसबुक के सर्वर पे, वो ऑथेंटिकेट होता है वहां पर कि हाँ भाई ये यूजर आईडी के अगेंस्ट यही पासवर्ड है, उसके बाद वो रेस्पॉन्स में हमारा एचटीएमएल पेज जो है वो डिस्प्ले हो जा रहा है। ये लेके जाना पासवर्ड और वहां से रेस्पॉन्स लेके आना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है,
एपीआई की होती है, ठीक है, ये हमें नजर नहीं आ रही होती, ये कनेक्ट किया होता है इसने बैकएंड को और फ्रंट एंड को, बैकएंड और फ्रंट एंड जो है वो इसने कनेक्ट किया हुआ होता। और कोई ऐड करना चाहे इसके अंदर एपीआई के हवाले से तो बता दे भाई, कोई अच्छी सी एग्जांपल हो। सर इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू डेटा बेस जो एपीआई है एक तरह से लिसनर का काम करती है, जो आपकी सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करवाती है टू यूजर रिस्पॉन्स और यूजर रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवाती है सर्वर पे, आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ही नजर आ रही डायग्राम, क्लाइंट है हमारा सिस्टम है, बीच में रेस्ट एपीआई है, और वो क्या कर रही पीछे डेटाबेस है या सर्वर है, इन दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। लाइक ये भी डायग्राम से देख लें, क्लाइंट HTTP URL, ये JSON फॉर्मेट में, ये REST API है पूरी, सर्वर से जा रही है कम्युनिकेशन जो है वो कर रही है, और डाटा हमारा किस फॉर्मेट में जा रहा है, JSON फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, वैसे इसका दूसरा नाम वेब सर्विसेज होता है, ठीक है, लेटेस्ट नाम API है, पहले किसी जमाने में वेब सर्विसेज कहते थे, सर्विसेज लिख दें सर्विसेज लिख दें, अभी हम माइक्रो सर्विसेज का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट करना है क्लास, ठीक है। तो ये कोडिंग में केस सेंसिटिविटी प्रॉब्लम कर सकती है, मोस्टली तो हम देखते हैं जब डॉकर लिखते हैं तो उसमें फ्रॉम को कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, तो क्या यहाँ पे ये स्मॉल कैरेक्टर में लिखने में कोई एम्बिग्विटी या कुछ? नहीं नहीं कंफ्यूजन? पाइथन ओके पाइथन के अंदर तो सारा केस सेंसिटिव ही है ना, हमने शुरू से पढ़ा है कि जी पाइथन के अंदर हर चीज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ये जी सर, केस सेंसिटिव ही रहेगा। ठीक है, ओके 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 अच्छा जी, तो क्लास मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, अब मैंने एक ऐप क्रिएट करनी है क्लास की, ठीक है, कुछ भी नाम रखते हैं, इट इज जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है, क्लास, इसको पैरामीटर भेजना है, अपने नेम का पैरामीटर के अंडर स्कोर नेम, ये इनिशियलाइज का पैरामीटर है, ये ऐप क्रिएट हो जाए, उसके सर बाद व्हाई यूज ऐप को डबल रन। अंडरस्कोर, व्हाई नॉट वन? अच्छा, डबल अंडर स्कोर हमने शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि जब हमें प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने होते हैं, ठीक है, तो ओके हम डबल ओके अंडर स्कोर लगाते ओके हैं, ओके सर, जब आ हमें गया याद, आ प्रोटेक्टेड गया, वेरिएबल बनाने होते हैं सिंगल ओके अंडर स्कोर लगाते हैं, और जब हमें पब्लिक वेरिएबल बनाने होते हैं विदाउट अंडर स्कोर बनाते हैं। अच्छा जी, ऐप थैंक यू सर। डॉट रन, ऐप डॉट रन, ऐप को रन करना है हमने, यहाँ पर हम इसका डीबग मोड जो है वो ट्रू रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस ऐप को भी रन करने के लिए हम अपने इफ की कंडीशन में डाल देते हैं अक्सर, और कहते हैं कि अगर हमारा जो नेम फंक्शन है वो मेन फंक्शन के आ जाए, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एप्लीकेशन का, कि जब ये फाइल रन होगी तो सबसे पहले वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि मेन से कॉल आ रही, क्योंकि ये अगर मैं ना लिखूं कि तब भी हमारे हर पाइथन के कोड में वर्चुअली मौजूद होता है, जब भी एप्लीकेशन चल रही होती है ये वाली चीज, ठीक है। तो जुपिटर पे हमने लाइन लिख के चल गया, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो ये चीज वर्चुअली मौजूद होती है। अच्छा, ये हमारी क्लास की एप्लीकेशन बन गई है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ सिंपली लिखता हूँ पाइथन app.py, मैंने ये फाइल बनाई है app.py की, इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मेन में आएगा, मेन में आने के बाद ऐप का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी मदद से ये सर्वर को रन कर देगा, ठीक है। ये सर्वर हमारा अप हो गया है, यहाँ पर एक सर्वर का URL आ रहा है लोकल होस्ट का, HTTP 1.5000 पोर्ट पर चल रहा है, इसको कॉपी करके ले जाएं, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दें, तो ब्राउजर पे ये आपका चल गया, ठीक है। सर, यहाँ पर अभी सर हमने इसको यस, पोर्ट तो डिफाइन की नहीं, तो ये क्या ये डिफॉल्ट लेके आता है अच्छा और जो हम इसको डिफॉल्ट बदल पोर्ट सकते? है, इसकी डिफॉल्ट पोर्ट है, यहाँ पर आके चेक करें,
जब मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ तो यहाँ पोर्ट के अंदर जो है कि डिफॉल्ट पोर्ट 5000 आ जाती है। अगर आप चेंज करना चाहें तो पोर्ट के अंदर यहाँ नई पोर्ट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक सर, है, थैंक यू थैंक यू डिफॉल्ट टू ये लिखा हुआ है, डिफॉल्ट टू 5000। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये हो गया। अभी हमारा सर्वर अप हो गया, एप्लीकेशन में कुछ था नहीं इसलिए कोई यूआरएल फाउंड नहीं हुआ। यहाँ पर वैल्यूज के मैंने अभी कुछ नहीं डाला था कि बेसिकली हमने यहाँ पर समझना है कि यूआरएल जिसको हम वेबसाइट के ऊपर यूआरएल बोल रहे होते हैं, हम उसको एपीआई के अंदर राउट्स बोल रहे होते हैं, राउट्स। ठीक है, तो राउट्स बोल रहे होते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पर अभी हमने खोला, फॉर एग्जाम्पल ये है, हमने कहा कि httpdmedium.com और ये मैं चला देता हूँ। ये मेरे पास एक राउट है जो चल रहा है। ठीक है, ये राउट है, ये राउट है। आगे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर क्लिक किया मैंने, आगे देखो एक और ये चीज ऐड हो गई। इस प्रोग्रामिंग के अंदर फर्दर मैं किसी टॉपिक पे क्लिक कर रहा हूँ, आगे वो ऐड हो गया। ये सारे राउट्स जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सारे राउट जो है वो ऐड होते चले जा रहे हैं। ये राउट हमें बनाने पड़ते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कि जब यूजर किसी राउट पे क्लिक करेगा तो उसको कहाँ जाना होगा, या यूजर कोई राउट लिखेगा तो कहाँ जाना होगा। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अच्छा, किसी ने पूछा है, मोहित सर आपने ऐप रन की कमांड क्या लिखी है? पाइथन app.py, बस सिंपल। मैं दोबारा करता हूँ इसको, कंट्रोल सी से मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा वापस। ये ले, मैंने लिखा यहाँ पर पाइथन app.py, जो पाइथन की फाइल रन करते हैं उससे हम पाइथन app.py। तो इसको रन करूंगा, हमारे पास सर्वर दोबारा अप हो जाएगा, कंट्रोल सी करूंगा तो ये सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये यहाँ पर हम वार्निंग अलर्ट क्या दे रहा है सर? ये कहते हैं कि भाई ये वार्निंग ये है कि लोकल होस्ट जो है ना, ये डेवलपमेंट सर्वर है, इसको प्रोडक्शन के तौर पे ना इस्तेमाल कर लेना, पैसे ओके थैंक पैसे खर्च कर लेना। तो यू सर, वैसे अगर इसे गिटहब के ऊपर अपलोड किया हो तो फिर मेरे ख्याल से ऑनलाइन गिटहब के ऊपर भी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गिटहब पे डिप्लाई होगी, वहां से चलेगी एप्लीकेशन, वो भी काम कर लेंगे, वो भी काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी अब सर, टू गुड यहाँ टू गुड। पे मैं अपना फर्स्ट राउट बनाने जा रहा हूँ। बनाने का तरीका है, हम यूज करते हैं एट द रेट। एट द रेट क्या होता है, किसी को मालूम है? जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्हें जरूर जवाब देना चाहिए। एट द रेट डेकोरेटर होता है भाई, जनरेटर डेकोरेटर, बड़ी डिटेल में पढ़े थे। अच्छा जी, ये डेकोरेटर बना दिया मैंने, एप डॉट राउट, और मैंने यहाँ लिख दिया स्लैश। स्लैश का मतलब होता है यूजर विल राइट नथिंग, लैंडिंग पेज बनेगा हमारा। जैसे ही कोई हमारे सर्वर पे क्लिक करेगा या होम पेज पे, वो उसको कहाँ लेके आना है। यहाँ पर हम एक पाइथन का फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम भी मैं होम ही रख रहा हूँ, होम। जेंगो में भी पढ़ चुके, लेकिन जेंगो में हमने एट द रेट डेकोरेटर इस्तेमाल नहीं किए थे, वहाँ तो हम ये यू आर एल कन्वेंशन है का। सर? जी, ये ऐसा ही रहेगा, एड जो ओके भी ऐप का नाम होगा उसका राउट उसके रास्ते ऐड कर देंगे हम। ठीक ओके थैंक यू। है, यहाँ पर मैंने रिटर्न कराया इस फंक्शन के अंदर, रिटर्न यहाँ पर मैं कहता हूँ भी हेलो पाइथन विद क्लास। ठीक है, सिंपली मैंने एक रिटर्न चला दिया। अब मैं जाके अपना सर्वर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप अपनी फाइल्स को ऑटो सेव पे लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो चेंजेस आप करते जा रहे हैं वो सेव हो और सर्वर आपका ऑटोमेटिकली चलता रहे। अब मैंने दोबारा इस सर्वर को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर अभी 404 नॉट फाउंड आ रहा था, क्योंकि ये वाला राउट मैंने डिसाइड ही नहीं किया था क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख लें यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो रेस्पॉन्स आ गया है। गुड बाय। अच्छा, जल्दी से सब लोग इस काम को कर लें, एक सिंपल सा डायरेक्टिव नहीं डेकोरेटर
पाइथन डेकोरेटर, ठीक है। सर आप एक दफा शुरू एक दफा रिव्यूज शुरू से एक दफा जरा स्टेप सारे बता देंगे ताकि अच्छा सा हो जाए प्रोजेक्ट रिमाइंड कि प्रोजेक्ट कैसे। हाँ क्रिएशन, प्रोजेक्ट क्रिएट से लेके यहाँ तक या जी हाँ एप्लीकेशन के जी अंदर टोटल? हाँ शुरू से प्रोजेक्ट क्रिएट था सर। यस सर एक बड़ा मर दफा गया भी। सर चलो ब्रीफली बता दें। ठीक है बताता हूँ। देखो हमने क्या करना होता है, मैं सिंपली टक से मैंने इसको बंद किया, यहाँ से ये सर्वर भी डाउन किया, कोई बात नहीं, समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। फ्लास्क की एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर टेस्ट का एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। ठीक अब है मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, ये टेस्ट के अंदर नहीं बनाना, मुझे टेस्ट के बाहर बनाना है, इसलिए मुझे फ्लास्क के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना, फ्लास्क के ऊपर ये सिलेक्ट है ना फ्लास्क, अब मैं क्रिएट करूंगा तो ये बाहर आ गया। मैंने यहाँ पर कह दिया फ्लास्क ऐप डॉट, बस फ्लास्क ऐप का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इस फ्लास्क ऐप के फोल्डर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक फाइल ऐड करी, सबसे पहले मैंने फाइल ऐड कर दी भाई रिक्वायरमेंट्स की, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, क्या क्या इंस्टॉल करना है यहाँ बता दिया मैंने, अभी सिर्फ फ्लास्क इंस्टॉल करना है, ठीक है। फ्लास्क इंस्टॉल करने के बाद तो गिट वाला पार्ट भी बताऊं या अभी उसको जाने दूं? बता दें सर। अच्छा मैंने एक फाइल यहाँ पर और ऐड करी, जिसे हम कौन सी फाइल कहते हैं, रीडमी डॉट एम डी फाइल, ये फाइल भी ऐड कर दी। अच्छा रिक्वायरमेंट्स पहले रन कर देता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट से बाहर वापस निकलना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा, क्लास के अंदर मैंने क्लास ऐप का फोल्डर बनाया है, इसको लोड करना पड़ेगा। तो क्या इसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया मैंने अभी तक? नहीं बनाया, तो जी वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर देता हूँ, कोंडा क्रिएट माइनस पी VENV पाइथन वर्जन ले लेता हूँ 3.10, ठीक है, माइनस वाई, राइट, ये चलाऊंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं रिक्वायरमेंट वाली फाइल भी रन कर दूंगा। तो सर अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपने अपने उसको ये बताना होता कि मुझे इस एपीआई को बनाने के लिए क्या 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 पैकेजेस चाहिए रिक्वायरमेंट है जी होंगे। जी यस जी वो हम लिखते हैं और उसके बाद इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो पैकेजेस चलेंगे। ओके इस तरह स्टेप वाइज थोड़ा सा बता दें कि पहले एपीआई तो आप बनाने के लिए लिखते जाए ना, क्या मैं क्या। जो जो स्टेप करते जा रहा हूँ उन्हें नोट करते रहे, बुलेट्स बना के लिखते जाए। तो ओके ठीक है और थर्ड में फिर आप क्या करेंगे। रीडमी फाइल बना ली मैंने, ये बना दी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, अपने गिटहब से कनेक्ट कर दूंगा रिमोट यूआरएल से। ठीक है सर एक्चुअली दीज आर प्योर स्टूडेंट्स ना, अभी जो हमारे पास ये ऑप्शन भी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो हम उसको दोबारा से सुन लेंगे ना, तो और भी अच्छा जाएगा। मगर सर ये सवाल इस तरह से पूछने से ना, जो बाकी बेचारे चुप बैठे रहते मेरे जैसे डर, उनका भी हाँ एक हाँ हाँ फायदा हो जाता एक्चुअली है कि वो अच्छा हो जाता है, उनको रिपीट हो जाता है, ठीक है वैसे वीडियो भी देखी जा सकती है सर। एनवायरनमेंट बन गया है, वो कह रहा है कोंडा एक्टिवेट कर दें, एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दें आप, तो एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है कि जहाँ एनवायरनमेंट भरा हुआ VNV चला दें उसका, तो मैं वही लिख रहा हूँ कोंडा एक्टिवेट VENV फ्लैश, ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। मैंने यहाँ पर गिट इनिशियलाइज करना है, गिट इनिट हो गया, गिट स्टेटस चेक किया मैंने, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये फाइल्स बनी हुई है, ये फाइल्स मैंने भेजनी है। अच्छा अभी मैंने गिट इग्नोर का तस्करा नहीं किया कि वो गिट इग्नोर मैंने क्यों बनाई थी, वो अभी यही बता देता हूँ मैं, चलें जब वहां पर जाएंगे गिट इग्नोर क्रिएट करने तो वहां पर बता दूंगा उसको। अच्छा जी फाइल्स ऐड करनी है मैंने, कभी गिट
ऐड, हमारे पास दो तरीके होते हैं फाइल्स ऐड करने के। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो ये है कि मैं वन बाय वन फाइल को ऐड करूं, होता है यही होता है ना, कि मेरे पास जी क्लास कैप के अंदर अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट्स की फाइल है, ठीक है, मैं इस तरह वन बाय वन ऐड करूं, या मैं क्या करूं, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं कि गिट एड डॉट लगा दूं, उससे जितनी भी फाइल अनट्रैक होंगी, जैसे यू बना हुआ रहा है यहाँ पर, यू का मतलब अनट्रैक, ए का मतलब एडिट, रिक्वायरमेंट ऐड हो गई, ठीक है, तो अनट्रैक फाइल जितनी भी होंगी वो सारी गिट एड डॉट से चली जाएंगी, या गिट एड माइनस ए से सारी फाइल ट्रैक हो जाएंगी, ठीक है। सारी फाइल ट्रैक अगर मैं कर देता हूं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यों इतने ज्यादा दिखा रहा है, क्यों इतना चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि ये भी चला गया साथ में, इतनी फाइलों में मैंने क्रिएट भी नहीं, इतनी फाइलों पे वार्निंग दे रहा है मुझे, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हजारों फाइल्स बन गई हैं और ये जो है वो उनके ऊपर जो है वो वार्निंग मुझे दिखा रहा है। तो अब मसला ये था कि मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट को बेसिकली ट्रैक करवाना ही नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझ के करवा दिया है उसको, ताकि आप भी सीख लें ये बात। अल्लाह सर, आपका वैसे अगर भाई, वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम अगर ट्रैक नहीं करते और फिर उसे पुश नहीं करते गिट पे, और फिर मैं कंप्यूटर अपना चेंज करता हूँ और वहाँ पे लेट से ये रिपोजिटरी डाउनलोड करता हूँ, तो अगर ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर पुश नहीं हुआ होगा तो फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए वहाँ पे, या अगर पुश हुआ हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली नई कंप्यूटर के अंदर भी वो क्रिएट हो जाएगा? कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता नहीं है? कुछ हुआ हुआ भी होगा तब भी क्रिएट नहीं होगा ठीक सर, ठीक। नए कंप्यूटर के अंदर, वो आपको करना ही करना है, इसीलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को रोक लेते हैं कि भाई जरूरत नहीं है उसकी, ना यूजर को जरूरत होगी बाद में जो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, तो इसलिए इसको ना भेजे तो बेहतर है। ठीक सर, थैंक यू सर। कोई रोको इसको भाई। अब सर कंट्रोल सी दबा के रोक। चलने दो, अब चलने दो, पता नहीं। इसको प्रोडक्शन पे जब हम जाते हैं तो उस पे जो है वो कोई पर्टिकुलर सर्वर वगैरह इसको होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप का सर्वर होता है जो जहाँ पे हम अपनी एपीआईज वगैरह होस्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं ना, बाद में हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेंगे, फ्री वाले भी मिल जाते हैं, हीरोकू पे कर लें, वर्सल पे कर लें, गिटअप पे कर लें, और भी फ्री सर्विसेज हैं वहाँ पे कर लें, और फिर जब वो आप शेयरेबल लिंक भी दे सकते हैं किसी को भी, वो आपकी देख सकता है, लेकिन बस वो ज़्यादा स्पेस वहाँ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो चला सकते हैं। सर इसको स्टॉप कर दें, अब नेक्स्ट कर कर लें बस। दो, हाँ हाँ चले स्टॉप कर स्टॉप दें। कर दिया। अच्छा अब मैं, हमने क्या करना है, अब गिट एड ऑल नहीं चलाना है मुझे, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट भी चला जाएगा, और अगर और फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऑल नहीं करूंगा तो, यहाँ 100 फाइलें अगर हैं तो 100 फाइलों के नाम बार बार लिखने पड़ेंगे मुझे, जिस तरह मैंने पहली फाइल लिखी रिक्वायरमेंट, फिर लिखूंगा रीड मी, फिर लिखूंगा फला, फिर लिखूंगा फला, इस तरह मुझे ये भी थक जाऊंगा मैं लिख लिख के, और ऑल कर रहा हूँ तो सब कुछ चला जा रहा है, लॉग्स फाइल भी चली जा रही है मेरे प्रोजेक्ट की, मेरे प्रोजेक्ट की जो है ना सीक्रेट फाइल भी चली जा रही है जिसमें पासवर्ड वगैरह लिखे हुए, कीज लिखी है वो भी चली जा रही है, तो भाई क्या करूँ मैं, तो करने का फिर तरीका ये होता है, अभी करते हैं पहले इसको कमिट लगाते हैं, गिट इग्नोर की फाइल, गिट इग्नोर की फाइल चला लेते हैं, गिट कमिट माइनस एम, मैंने इसको कह दिया भाई इनिशियल कमिट, कमिट लगा दो, और गिट इसको कहाँ भेजूँ मैं, यू आर भी तो रेपो नहीं बनाई इसके लिए, पुरानी वाली रेपो इस्तेमाल कर लेते हैं, यहीं भेज देते हैं, गिट पहले ब्रांच चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मास्टर आ रही होगी वहाँ मेन होती है, इसलिए ब्रांच का नाम सेम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अब कहते हैं भी गिट
अब गेट पुश करूंगा तो पुश करने देगा, गेट पुश ओरिजिन मेल। रिमोट ऐड ओरिजिन तो किया नहीं है मैंने, आप लोग ही बता दे रहे हैं। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है सही। रिमोट एड ऑडिशन से क्या हुआ बेसिकली? रिमोट ऐड ओरिजिन से ये हुआ कि जो मैंने जब ये कमांड चलाई तो मैं बेसिकली उसको क्या कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि जो कि भाई जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो हमारी वाली रेपो है, ठीक है ठीक है। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये वाली रिमोट रेपो है, ठीक है। इसको क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, मेरी लोकल सिस्टम को रिमोट वाली जो गिटहब पे रेपो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ये ओरिजिन ऐड हो जाता है, ठीक है। जब ये ऐड हो जाता है तब ही ये हमें क्या करता है, पुश करने अलाउ देता है। अब मैंने कहा गेट पुश मेन टू ओरिजिन, ये लिखते हैं हम यहां पर हैं कि भाई ये क्या है, गेट पुश ओरिजिन मेन, इसका मतलब हमारी मेन ब्रांच को ओरिजिन में पुश कर दिया जाए। सर ये गेट माइनस यू पुश, का फ्लैग, अच्छा माइनस यू का फ्लैग ये करता है कि बाद में अगर मुझे ना लिखना हो ओरिजिन टू मेन तो वो मुझसे मांगेगा नहीं, सिर्फ मैं आधी कमांड चला दूं गिट पुश तो वो समझ जाएगा कि ओरिजिन मेन में डालना है उसे। अगर आप माइनस यू से एक बार चला देंगे तो वो याद कर लेता है कि ओरिजिन मेन के लिंक क्या हैं। अगर आप माइनस यू से नहीं चलाएंगे तो हर दफा ओरिजिन मेन लिखना पड़ेगा, ठीक है हर मेरे ख्याल। ब्रांच हाँ जी जी अच्छा, पुश करने नहीं दे रहा, जल्दी बताओ क्यों नहीं पुश करने दे रहा, क्योंकि मैं अपनी पुरानी रेपो में भेज रहा हूँ और पुरानी रेपो का काम तो लोकल में यहाँ पर तो है ही नहीं, तो पहले मंगाना पड़ेगा ना। पुल अभी करना जो पड़ेगा, बात अभी बंगा बताई थी ये बात मैंने, गेट कुछ पुल, फाइलें मिसिंग है सर एनवायरनमेंट हाँ में। हाँ ओरिजिन में, अब वो सारी फाइल्स जो है यहाँ आ जाएंगी जो वहां पर क्रिएट हुई हुई थी, कहाँ पर माइनस पुल को भी दिया जा सकता है, पुल को भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं पुश कर रहा हूँ, चली जाओ। अब ये अभी भी क्या कह रहा है भाई, प्लास के प्लास के, पहले एरर आगे देखे, गेट पुल ओरिजिन में, अच्छा ये कह रहा है ब्रांच मैन पैच हेड रिफ्यूजिंग टू मर्ज। अच्छा ये अनरिलेटेड हिस्ट्रीज का जब एरर आ जाता है ये ऐसे ही होता है, क्रॉस ब्रांचेस जब हम काम कर रहे होते हैं ना, क्रॉस रेपोज जब काम कर रहे होते हैं लोकल, अब हमारी दो रेपो हो गई है ना, तो ये अनरिपोजिटरी अनरिलेटेड हिस्ट्रीज का एरर आएगा, तो मुझे अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री करना पड़ेगा, उसी कमांड में भूल गया हूँ। अभी यहाँ मिल जाएगी, मैं हमेशा देख के उठाता हूँ, ये स्टैक ओवरफ्लो के पहले लिंक पे जाओ, ये अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री ये आ गया, अलाउ 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 गेट फुल ओरिजिन ब्रांच नेम अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री, बस इसको चला देंगे। ये मैंने कर दिया, यहाँ पर ब्रांच नेम में मैं अपनी ब्रांच का नाम डाल दूंगा, मेरी ब्रांच है मेन, ठीक है। बस आगे सिर्फ क्या लिखना है, अगर ये एरर आ जाता है, अगर आ जाता है अलाउ डैश अनरिलेटेड डैश हिस्ट्री, अब ये कर लेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओ कह रहा है ओवर रिटन हो जाएगी फाइल, वहां पर भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है। अब ये कंफ्लिक्ट आ रहा है ना, मेरे पास लोकल में एक ऑलरेडी रीडमी मौजूद है जिसके अंदर कुछ और डेटा मौजूद है। अच्छा बहरहाल अब हम मुश्किल में फंस जाएंगे यहाँ पर, हमारी बात कहीं कहीं रह जाएगी, ये चीजें अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो मैं वापस जो है वो क्या कर रहा हूँ, अपनी समझ लें कि गेटअप पे पुश कर दिया है मैंने, ठीक है, वापस आ रहा हूँ मैं, सीधी अपना टेस्ट वाला प्रोजेक्ट लोड कर रहा हूँ और समझ लें कि मैं इस फ्लास्क ऐप से बाहर निकल आया, तो टेस्ट ऐप में यहाँ तक काम कर लिया है। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर गेट स्टेटस चेक करता हूँ दोबारा से, ये तो गिट की क्लास बन गई आज हमारी, एप डॉट पी वाई एक फाइल ऐड करी है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, गिट ऐड, अच्छा गिट इग्नोर जब मैंने चलाया है, ठीक है, तो गिट इग्नोर क्या होती है कि गिट इग्नोर के अंदर वो सारी फाइल्स और फोल्डर्स के नाम लिख देता हूँ, वो सारी फाइल्स और फोल्डर के नाम लिख देता हूँ जिनको मुझे गिट पे नहीं भेजना होता। यानी अगर मैं गिट ऐड डॉट या गिट ऐड ऑल चलाऊंगा तो गिट इग्नोर में जो चीजें मेंशन होंगी वो चीजें ट्रैक नहीं होंगी, ऐड नहीं होंगी, ऑटो मुझे अब डरने की जरूरत नहीं होगी। तो आप अगर जाके यहाँ देखेंगे इन द गिट इग्नोर फाइल, जब मैंने यहाँ पर ये फाइल ऐड की थी, गिट इग्नोर फाइल, उसके अंदर उसने लिस्ट जो है वो यहाँ डाली हुई है कि भाई ये फाइल्स होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती गिट के ऊपर। ऑटोमेटिकली मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया था पाइथन का, इसके अंदर उसने बताया हुआ है यहाँ पर, क्या बताया हुआ है, इसने ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट भी ऐड करे हुए हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हुए हुए हैं, वी एन वी ई एन वी डॉट ई एन वी कैपिटल में ई एन वी, ये सारे रोक लेगा वो, इन तमाम फाइल्स को रोक लेगा। इनके अलावा भी अगर कोई फाइल है आपकी जो आप नहीं भेजना चाहते तो वो ऐड कर दें यहाँ पर, जस्ट सिंपली यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। फोल्डर ऐड करना है तो स्लैश लगा के ऐड कर दें, फाइल ऐड करनी है तो डायरेक्टली ऐड कर दें, किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल पड़ी है उसको रोकना है तो फोल्डर का नाम फिर स्लैश फिर फाइल का नाम, वो रोक देगा। तो पाइथन का जो मैंने जब ये क्रिएट किया यहाँ पर, ऐड फाइल जब हम कर रहे थे, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ मैंने बोला था कि भाई डॉट गिट इग्नोर फाइल लो, गिट इग्नोर फाइल लो, अगर मैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर दूं तो ये एम्प्टी फाइल हो जाएगी, सब कुछ मुझे खुद लिखना पड़ेगा जो जो इग्नोर करना है। बट मैंने उसको यहाँ पर बोला कि भाई ऐसा करो, पाइथन वाली टेम्पलेट दे दो मुझे गिट इग्नोर की, तो ये सब कुछ खुद ही लिखा हुआ आ गया था, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक हो, गिट इग्नोर की बात समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ पर जब गिट इग्नोर कर चुका हूँ तो अब मैं मुझे डॉट ऐड करने में कोई मसला नहीं है, मेरी वी एन वी वाली फाइल जो है वो नहीं जाएगी, ठीक हो गया। तो ऐप वाली फाइल को पुश कर देता हूँ, गिट पुश ओरिजिन, मैं कमिट नहीं किया मेरे ख्याल से, मैंने हाँ कमिट नहीं किया इसलिए कह रहा है आपकी अप टू डेट है, कमिट तो कर दें पहले, गिट कमिट माइनस एम एप डॉट पी वाई फाइल एडिट, ठीक है। अब मैं पुश कर दूंगा और मेन में तो ये चली जाएगी, राइट, यहाँ पर एप डॉट पी वाई नजर आ रही होगी मुझे, अब ये आ गई, इसमें लिखा हुआ कोड भी हमें यहाँ नजर आ रहा है, ये हमने कोड लिख लिया। एम मीन्स मैसेज, जोहा जो भी हमें मैसेज लिखना होता है डैश एम करके मैसेज लिख देते हैं हम। सर ये मेरे पास डीबग इज इक्वल टू टू में एरर आ रहा है, तो उसके बगैर मैंने चलाया तो चल गया। डीबग प्रूव में टी टी कैपिटल रखिएगा, डीबग सर्वर क्यों बोला रूम डीबग नॉट, कैपिटल टी रखा था, जी, आप चलाएं, हाँ जैसा आपने डीबग डीबग ब्लू कलर में आ रहा है ना, वो उस तरह चेंज नहीं हुआ, उस पे वो अंडरलाइन दिखा दी उसने। स्पेलिंग सही लिखी है, स्मॉल दोबारा ट्राई कर दो, वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी दोबारा वाला स्टेप ट्राई भी करना, बता दो। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी रन करने के लिए सिंपली मैंने क्या करना है, ठीक है, पिप
इंस्टॉल माइनस आर का मतलब था रीड करो, किसको रीड करो, इस फाइल को रीड करो। ये फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट एक कन्वेंशन है, हम देखते हैं कन्वेंशन। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं इसका नाम एबीसी रखेंगे तो एबीसी को रीड करके वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी इज अ कन्वेंशन, हर जगह यही इस्तेमाल होती है, और जब भी आप कोई आपका प्रोजेक्ट देखेगा तो वो रिक्वायरमेंट फाइल को ढूंढेगा कि क्या क्या इसकी डिपेंडेंसीज हैं, वो डिपेंडेंसीज क्या हैं, वो मेरा सिस्टम कंपेटेबल है सर, उसके हिसाब से नहीं। कंटेंट भी दिखा दें रिक्वायरमेंट्स। अभी तो मैंने सिर्फ क्लास लिखा था यहाँ पर। ठीक है, डन। तो एफ डॉट पी वाई में हमने एक राउट बना लिया, ठीक है, रन हेलो पाइथन विद क्लास हो गया, ठीक है। एक और राउट बना लेते, एक और राउट बना लेते। अरे सर, लाइब्रेरी तो इंस्टॉल होगी लेकिन इंपोर्ट नहीं कर रहा वीएस कोड। कैसे इंपोर्ट किया है, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट क्लास? नहीं सर, वो लाइब्रेरी जो फ्लास्क इंपोर्ट आपने लिखवाई थी ना रिक्वायरमेंट में, वो इंस्टॉल तो हो गई है जी सर, लेकिन मैंने तो वो इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं तो हो रहा। कहीं वो नहीं लिखवाया यार, सिर्फ नाम लिखा है बस, क्लास कोड नहीं सर, कोड के अंदर के अंदर मैंने कहाँ इंपोर्ट किया है, सिर्फ लिखा है सबसे फ्रॉम ऊपर क्लास। असल। ठीक है सर, सर एनवायरनमेंट पता नहीं एक्टिवेट हुआ है नहीं। नहीं, इंपोर्ट कौन सी लाइब्रेरी कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्लास के अलावा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगी। पांडास भी इंपोर्ट किया है, ये ऊपर लिखा ना फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, हाँ, आपने क्या लिखा? वो अंडरलाइन कर देता फ्लास्क को, नहीं, येलो से कर रहा, रेड से कर रहा, येलो से कर रहा है। ठीक बट टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, येलो अपना भाई है, ठीक है, है सर, टेंशन नहीं। थैंक यू सर। वेल सेड सर। मैंने एक और राउट ऐड किया कि जो स्लैश के आगे लिखेगा भाई अबाउट, तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई ये दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। मैं पूरा एचटीएमएल फॉर्मेट भी यहाँ लगा सकता हूँ, लाइक मैं इसको कह दूँ भी हेडिंग बना के दिखा देना, H1 लेवल की हेडिंग, यानी बड़ी हेडिंग, यहाँ पर भी। अभी मैं थोड़ा तेज चलूंगा, ठीक है, सवाल आप पूछते रहिएगा, ना समझ में आए तो समझ में नहीं आएगा तो तेज चलने का फायदा। अभी मैंने एक और राउट ऐड किया स्लैश अबाउट, वापस जाता हूँ मैं, अपना सर्वर रन करता हूँ, पाइथन एप डॉट पी वाई, कहाँ गई भी, लिख ही लो सराफत, ठीक है। क्या कह रहा भाई, नो मॉड्यूल नेम क्लास, लाइन नंबर वन में ठीक हो गए। टेस्ट के अंदर ही गड़े ना। अच्छा, मैं इन्वायरमेंट में हूँ क्लास ऐप के, रन कर रहा हूँ टेस्ट में। हाँ, सुभान अल्लाह। मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी डॉट डॉट पीछे आया और क्वांडा डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट कर दिया मैंने, तो मैं वापस आ गया हूँ टेस्ट के वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। पहले मैं था फ्लास्क ऐप के वर्चुअल एनवायरनमेंट में, इसलिए वो टेंशन दे रहा था मुझे। अब मैं चलाता हूँ यहाँ पर पाइथन वाली फाइल, तो ये कह रहा है अच्छा फ्लास्क के मॉड्यूल के अंदर टेस्ट में जाना पड़ेगा, टेस्ट पाइथन ऐप डॉट पी वाई,
जी, अब क्या एरर है? तो लाइन नंबर होम 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 लाइन नंबर 10 क्या कर दिया हमने? कुछ कर दिया है मेरे ख्याल से दो तो डेफ जो है होम पे हो गए। दो फंक्शन सेम नाम के हो गए। अच्छा, सही सही सही, मुझे फंक्शन कॉपी किया था ना मैंने, बिल्कुल सही कह रहे। चल पड़ा सर्वर, ये हमारे पास होम आ गया, इसके आगे स्लैश अबाउट, ये हमारा अबाउट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं एक और बात की तरफ। वो बात हमारी क्या है? कि हम अपनी ऐप के अंदर जो रेस्पॉन्स है अभी, ठीक है, रेस्पॉन्स हमारे पास जो है अभी स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। जस्ट हमारे पास कैसा रेस्पॉन्स है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में रेस्पॉन्स आ रहा है, और हमने यहाँ पर जो क्या करना है, ठीक है, एक और फोल्डर यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक और फोल्डर ऐड कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर, और दिस फोल्डर टेम्पलेट्स कहलाएगा ही, ठीक है, टेम्पलेट्स का फोल्डर, और यहाँ पर बजाय में ये स्ट्रिंग रेस्पॉन्स देने के, मैं अब किसी पेज को रेंडर करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं यूज करूंगा रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। तो रेंडर मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर, क्लास फ्रॉम क्लास इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट, क्यों नहीं दिखा रहा भाई रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ मैं कोई टेम्पलेट का नाम लिखूंगा, जैसे मेरा ये होम का है तो मैं यहाँ कह दूंगा होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, होम डॉट एच टी एम एल, अच्छा मुअत्तर, आपने जो ये कोड मुझे दिखा रही है चैट के अंदर, ये आप जब इन्वायरमेंट बनाएंगे बंद हो जाएगा, अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप देखें आपका जो कमांड प्रम्प्ट है वो पावर शेल में आ रहा है, ठीक है, पावर शेल में नहीं, पावर शेल में प्लस के बराबर में डाउन एरो का बटन दबा हुआ है, बना हुआ है, उसको प्रेस करें, कमांड लाइन प्रम्प्ट निकालें। देखें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पावर शेल में इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लिक करें, कमांड प्रम्प्ट पे चले जाएं और फिर एक्टिवेट करें, और सारा काम कमांड प्रम्प्ट पे ही करें, पावर शेल में नहीं करें, राइट? हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, होम डॉट एच टी एम एल मैंने इसको दे दिया, और इसको यहाँ पर मैंने दे दिया रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पर मैंने कह दिया भाई अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, अब ये दोनों पेज कहाँ पर बनाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ बनाने पड़ेंगे टेम्पलेट के अंदर, क्लिक किया इसके ऊपर, फाइल ऐड करी होम डॉट एच टी एम एल, और एक और फाइल ऐड करी विच इज अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इन दोनों फाइल्स के अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूं,
सर ये रेंडर की फाइल क्या होती है? हाँ बताता हूँ बताता हूँ, मैं अबाउट पेज पर हूँ। राइट, दो पेजेस मैंने बना ली। देखें, इस सवाल पूछा भाई जोहा ने कि रेंडर क्या होता है। देखें, हमारे पास जो ब्राउजर पे नजर आ रहा होता है, जो कुछ ये कुछ हमें सब कुछ नजर आ रहा है ना, ब्राउजर पे कोई भी चीज नजर आ रही है, सब नजर आ रहा है, तो ब्राउजर ये स्ट्रिंग नहीं है, सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे रेस्पॉन्सेस होते हैं, जो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बात तो आराम आराम से रुक के कह रहा हूँ समझिएगा, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई सर्वर के ऊपर, हमने लॉग इन किया, तो उसके जवाब में हमारे पास एक रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये जो कुछ ब्राउजर पे हमें रेस्पॉन्स नजर आ रहा है, ये सारा HTTP रेस्पॉन्स होता है। ये हम देखते हैं वेबसाइट के यहाँ शुरू में लिखा होता है HTTP, ठीक है। ये हमारे पास HTTP रेस्पॉन्स होता है जो हमें यहाँ नजर आ रहा होता है, जबकि हम जो हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे, हेलो क्लास लिख रहे थे, वो हमारा सिंपल क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है। और सिंपल स्ट्रिंग को जाहिर है हम उस अंदाज में फॉर्मेट नहीं कर सकते, सिंपल स्ट्रिंग सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग नहीं भेजना होता, हमें इमेजेस भी भेजनी होती हैं, हमें लिंक्स भी भेजने होते हैं, हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमें वहां पर HTTP रेस्पॉन्स बनाना पड़ता है। तो मैं वो भी काम यहाँ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको HTTP रेस्पॉन्स जो है वो इम्पोर्ट कर लूँ, वो पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी में, जेंगो का तो मुझे याद है, इसका भी HTTP रेस्पॉन्स होता है। खैर, तो या तो वो HTTP रेस्पॉन्स ले लें, अगर HTTP रेस्पॉन्स बनाऊंगा तो यहाँ मुझे इधर HTTP रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स, और वो सारी HTML मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी जो भी रेस्पॉन्स बनाना है, विच इज इन इलॉजिकल कि आप यहाँ इतने दो ब्रैकेट के दरमियान में बड़ा सा HTML का पेज लिखना शुरू कर दें। इट इज गुड, इट इज गुड कि भाई ये पेज आप सेपरेटली कहीं रखा हुआ हो, वहां से अप करवाएं, ठीक है। तो सेपरेट जगह से पेज को अप कराने को हम क्या कहते हैं, रेंडर कराना कहते हैं, और वो पेज जो है उसे टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का वर्ड आपने अक्सर इस्तेमाल किया होगा, तो हम किसी बनी बनाई टेम्पलेट को यहाँ रेंडर करा रहे हैं, रेंडर मतलब कॉल करा रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं, रेंडर के आप जो है ना उर्दू मीनिंग भी देख लीजिए क्या होते हैं, रेंडर करा रहे हैं हम, तो वो कहाँ रखा होगा, वो रेंडर होने वाला पेज वो यहाँ टेम्पलेट के अंदर रखा होगा, ठीक है, वो यहाँ टेम्पलेट के अंदर रखा होगा। इसलिए अब मैं पूरी कोडिंग HTML की यहाँ लिखने बैठ जाऊं, इलॉजिकल है, अलग होना सर चाहिए। रेंडर का मतलब आगे आप ऐसे समझ लेना कि जैसे ही हम HTML को यहाँ पे इस लाइन के एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो वो उस फाइल को ढूंढेगा, उस पूरी पूरी फाइल को पढ़ेगा, उस HTML कोड को व्यूएबल बना के तो आपके ब्राउजर पर दिखा देगा। आई थिंक एग्जैक्टली सो। बिल्कुल, टास्क तो यही है कि वो हाँ व्यूएबल तो वो है, बस उसको एज अ रेस्पॉन्स जो है वो ले जाएगा वहां पर, जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। सर एक दफा फाइल भी थोड़ी सी दिखा दीजिएगा, about.html। कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ पर, सिर्फ जस्ट सिंपली जो है क्या किया मैंने, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबाया, एंटर प्रेस किया, ये हमारे पास टेम्पलेट आ गई इसकी, और इसके बॉडी में जाके मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि भाई वेलकम टू अबाउट पेज, बस बाकी ठीक सारी चीजें जो है वो उसकी से मुताल्लिक है। रेंडर के मायने पेशकश करना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब जब मैं इस अपनी ऐप को रन करूंगा, सर्वर को रन करूंगा और अपने राउट पे जाऊंगा, तो जो मेरा राउट मुझे दिखाएगा ये होम पर आया। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस इज नॉट अ सिंपल स्ट्रिंग,
दिस इज अ HTML रेस्पॉन्स, इसको इंस्पेक्ट में जाके भी अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये HTML रेस्पॉन्स में आ रहा होगा, बॉडी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, सर एक वेंडर क्वेश्चन है सर रेस्पॉन्स। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के हवाले से, ये जो जी जी हमने राउट राउट सुनाए हैं, तो क्या हम यहाँ पे जाके टेलविंड CSS यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए? हाँ, भाई यहाँ पर जो है ना, वो जबरदस्त यहाँ पर, यहाँ पर हम जो है टेम्पलेट्स के साथ एक CSS का फोल्डर बना देंगे, वहाँ जबरदस्त सारी सर जबरदस्त CSS लिख देंगे, वो CSS चलेगी वहाँ पर। और सर अगर इमेजेस वगैरह हैं तो सोर्स का फोल्डर भी बना देंगे, वहाँ से इमेजेस उठा लेंगे, ठीक ओके है। तो हमारे पास अब ये हमारा होम पेज हो गया, अब हम इसको फिर अबाउट भी चेक कर लेते हैं, और ये हमारा अबाउट पेज होगा। दीज आर द HTML पेजेस, नॉट अ सिंगल स्ट्रिंग। अच्छा, टेलविंड क्या कह रहे हैं, अप्लाई करूं टेलविंड या क्या कह रहे हैं फौजिया? ये आपकी तरफ का मसला नहीं है, सबकी तरफ का मसला है, झटके खाना, ये तो पूरा मुल्क ही झटके खा रहा है, बस हम इसी में जी रहे हैं। देखें, ये मेरी अच्छा एक भाई बात समझ में नहीं आई, ये हम लोग ये जो API और ये जो रिस्पॉन्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स हम क्या पूरा HTML बेस्ड रिस्पॉन्स करेंगे? अभी तक नहीं, तो हम लोग ने जो रिस्पॉन्स किया है तो ये पूरा HTML हम बेस्ड रिस्पॉन्स है। नहीं, हम HTML बेस्ड रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, हम तो जेसन रेस्पॉन्स करेंगे। डेटा भेजना है हमें, डेटा लेना है, फ्रंट एंड का काम हमारा नहीं होता, हमारा काम मॉडल बनाना, सारी चीजें करना है। लेकिन अब जब आप, आपको समझ में आ गया कि देखो मैं जब रेस्पॉन्स करवा रहा हूँ तो मेरे पास देखो टेम्पलेट आ रही है उठ के, HTML का रेस्पॉन्स आ रहा है, वैसे ही हम जेसन का रेस्पॉन्स भी भेज देंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैंने ये वाला रेस्पॉन्स ओके सर दिखा दिया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अच्छा भाई, तो अब क्या है, अब यहाँ पर कोई आप जो है ना अपने होम के अंदर जो है वो कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया ये वाला, आप जो है बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, तो वो अच्छा सा आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अच्छा, टेलवेंड यार मेरा डोमेन नहीं है फौजिया भाई, मैं तो जो है ना वो आप मैंने कभी भी नहीं यूज किया, वो काम ही नहीं मेरा। जी जी तो अब आपको समझ आ गया कि हम इस तरह कर रहे हैं। अब बेसिकली ये तो हो गया कि हमारा जो ऐप है, अब देखो ये हमारा बैकएंड हो गया, और जो हमारा जैसे ही हम अपना सर्वर रन कर रहे हैं और हम ब्राउजर पे आ रहे हैं, तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, जो भी हम चला रहे हैं ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब बेसिकली बैकएंड और फ्रंट एंड के दरमियान हमने क्या करना है, हमने डेटा की रसाई करनी है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा जो है वो सीखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा प्राइमरी टास्क है, कि हमने जो है वो प्राइमरी टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, कि कम्युनिकेशन ऑफ बिटवीन बैकएंड एंड फ्रंट एंड। तो मिनट जरा मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा जरा। तो ठीक है जी हाँ, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं यहाँ पर जो है मैंने क्या करना है, मैं यहाँ कुछ वैल्यूज क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही कोई वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, कि भाई मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेना हमें आता है पाइथन में, इनपुट के लिए भाई यूजर प्लीज टेल मी योर नेम। अब ये कंसोल इनपुट होगा, ज्यादा ब्राउजर इनपुट नहीं होगा, इनपुट मुझे यहाँ नीचे देना पड़ेगा कंसोल के ऊपर, और ये इनपुट जो है मैं भेज देता हूँ HTML को।
ठीक है, ये सर एक रिपोर्ट मैं क्वेश्चन भेज रेज देता हुआ हूँ। था ऐसे ही छोटा सा है, जी 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 अगर जी रेलेवेंट है तो। सर क्या हम इस जी पाइथन के कोड में जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं? पाइथन के कोड के अंदर, यस सर। नहीं कोड के अंदर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एचटीएमएल वाले उसमें सेक्शन में स्क्रिप्ट लगा सकते हैं हम, हाँ सर, थैंक यू थैंक यू स्क्रिप्ट वहां पे लगा सकते हैं हम, थैंक यू, स्क्रिप्ट का टैग लगा दें या वैसे ही डॉट अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट की फाइल अंडरस्टैंड बना सर, दें। थैंक यू या सर ये भी कर सकते हैं सर। कि आज चैट की तो जीपीटी क्लास, को, आज की क्लास बहुत मजे वाली सर, जबरदस्त। अच्छा हाँ अब सवाल पूछें, क्या कह रहे थे, चैट जीपीटी की बात हो रही थी कुछ? जी सर मैं ये कह रहा था कि वो कोड ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी को जावा स्क्रिप्ट का कोड दे दिया, उसे कह दिया कि ये पाइथन के कोड में कन्वर्ट कर दो। हाँ वो, लेकिन वो लिख फिर डालना तो यहाँ पाइथन में, खुद ही पाइथन ही लिखनी पड़ेगी ना, बस चाहे पेस्ट करके लिख दें कहीं से, तो लिखनी तो पाइथन ही पड़ेगी। सही सर। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया हमारे पास, ये मैंने एक बनाया यहाँ पर। अच्छा अब ये जो रेस्पॉन्स है, अगर मैं मुझे ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ आएगी, ये वैल्यू भी क्या करनी है, मैंने रेंडर के साथ शो करानी है, तो मैं उसको यहाँ पर जो है, अच्छा इसके साथ अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, मैंने कहा भाई नेम ले जाओ, नेम ले जाओ, ये नेम आएगा पेज के साथ साथ, ये नेम भी डिस्प्ले कर देना, समझना जरा, पेज के साथ साथ ये नेम भी डिस्प्ले कर देना। अच्छा भाई ये क्या क्या खुल गया, अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सर्वर को, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, ये मेरे पास चला। जैसे ही मैं यूआरएल पे जाके यहाँ पर अपने होम पे ये करूँगा, ठीक है, अब देखो ये डिस्प्ले नहीं आ रहा होम पेज का, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला हुआ था, पहले क्या चलेगा, नाम लेना है उसे, फिर ये पेज चलेगा, तो देखो नीचे नाम मांग रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ नाम एंटर करता हूँ, मैं कह देता हूँ भाई नाम डाल दिया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा वहां पर जो है ये कहता है कि भाई रेंडर टेम्पलेट टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन, दो पोजिशनल आर्गुमेंट जो है उसके दिए जा रहे हैं, यूजर प्लीज टेल मी योर नेम, दोबारा नाम देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये रेंडर टेम्पलेट हो गई, 304 का एरर आ गया, रिजल्ट में जाके देखता हूँ ये एरर, वही एरर यहाँ दिखा रहा है, ये एरर यहाँ क्यों दिखा रहा है मुझे पेज के ऊपर, बिकॉज मैंने डीबग में क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, इसलिए एरर आ रहा है, वरना यहीं पे देखना पड़ता। तो अब ये कुछ मसला है, कहता है भाई रेंडर टेम्पलेट टेक्स वन पोजिशनल आर्गूमेंट बट टू वर गिवन, रेंडर जो है वो एक ही पोजिशनल आर्गूमेंट लेता है लेकिन आप दो दे रहे हैं, ये क्या बात है भाई। चलो ठीक है, तो फिर मैं कैसे भेजूंगा, अब मैं क्या करता हूँ सर यहाँ वैल्यू तो पर, वैसे बाय द वे हमने एक ही पास की थी। हाँ, लेकिन ये भी है ना, एक ये है और एक ये है। ओके 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 अब मैं यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड। करता हूँ, मैं डिक्शनरी बनाता हूँ डेटा, इसके अंदर लिखता हूँ नेम और इसके अंदर डाल देता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पर से मैं क्या पास कर देता हूँ डेटा, ठीक है, ये यूं भी कर सकता हूं मैं, और या मैं इसको पूरा जो है वो यहीं पर कर सकता हूँ यूं करके, तो मैं एक डेटा की डिक्शनरी बना दू, डेटा इज इक्वल टू नेम डॉट नेम, ये नेम मिलेगा, ठीक है। अब इसको दोबारा चला के देखता हूँ, चल रहा है, जब होम पे जाऊंगा मैं वापस इसको रिफ्रेश करूंगा, ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि इसको यहाँ पर नेम चाहिए, नेम भेजा मैंने, ठीक है, अब ये 200 हो गया रेस्पॉन्स, 200 का मतलब है ओके रेस्पॉन्स, और ये पेज भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसका मतलब मेरा डाटा बैकएंड से चला गया यहाँ पर, बस मैंने अभी डिस्प्ले नहीं कराया, सबको ये बात समझ आई?
पैरामीटर तो अभी भी दो ही ले रहा है वो। हाँ लेकिन वो कह रहा था पोजिशनल आर्गुमेंट एक लूंगा, कीवर्ड आर्गुमेंट कितने भी दे दे। एरर समझ में आया? की है एरर सर ये था गड़बड़ पोजिशनल आर्गुमेंट का, था एरर था पोजिशनल आर्गुमेंट का, क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट दो है, कीवर्ड आर्गुमेंट दे दे। अच्छा अब ये क्या किया मैंने, देखो हमेशा जो रेस्पॉन्स जाएगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में जाएगा। मैं ऐसा ऐसा आपको जैसन की तरफ लेके आ रहा हूँ, हमेशा जो रेस्पॉन्स जाएगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में जाएगा। आपका जितना भी डेटा है आप डिक्शनरी में पैक करेंगे और फिर भेजेंगे, तो ये डेटा की डिक्शनरी में चला गया। अब मैं इसको होम पे आता हूँ और यहाँ पे ये डेटा ऐड कर लेता हूँ, मिस्टर जो भी नाम आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाए मैंने यहाँ पर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने कहा यहाँ पे परसेंटेज, बल्कि नेम की डेटा में नेम नेम की की डाल देता हूँ बस यहाँ पे। लेट मी चेक ये क्या डिस्प्ले करता है, सर्वर चल रहा है, इसको रिफ्रेश मारता हूँ, नेम डालना पड़ेगा वहां पर दोबारा, जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा उस यूआरएल पे नाम पूछेगा ना। इंटर किया 200, वापस आया यहाँ पर, अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ और फॉर्मेट डालना पड़ेगा होम में। ये बेसिकली जिंजर टेम्पलेटिंग कहलाता है, जिंजर टेम्पलेटिंग। अब आ गया जिंजर टेम्पलेटिंग, ठीक है। रिफ्रेश, नाम दो 200, तो भी अब तो आ जाना चाहिए। देख लूं जरा फॉर्मेट देख लूं, गुड गाइड 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 जिंजर डेम्पलेटिंग। मिनिमल एप्लीकेशन डिस्प्ले ब्रैकेट का शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, राउटिंग फाइल स्पेस स्पेस ये आ गया, टाइटल टाइटल हेलो वर्ल्ड, परसेंटेज के साथ नाम के साथ ले रहा, ठीक है। होम 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 पे आ जाओ, कर लेते हैं। अच्छा अभी रिक्वेस्ट डेटा नहीं लगाया है हम तो, चलो चेक कर लेता हूँ वैसे जरूरत नहीं है। टेल मी योर नेम, इंटर किया मैंने 304, अच्छा जी अननोन टैग नेम आ रहा है, ठीक है सही है, टैग तो पकड़ लिया उसने। ये हमारे पास डाटा का टैग डाल देता हूँ मैं,
गेट आउट। तो फॉर्मेट में भूल गया हूँ असल में। कैन वी यूज बैक टिक? बैक टिक क्या भाई? सर सर ये बैक टिक जो है ये वन से जो पहले एक सिंबल है होता है। सही है क्या गलती कर रहा हूँ? डेटा डॉट नेम करके डिस्प्ले हो तो गया, लेकिन वो इनपुट वाले पार्ट के थ्रू मैंने जस्ट डायरेक्ट डेटा को अंडरस्कोर अपना सिंगल कोट के अंदर नाम डिस्प्ले किया। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि डेटा डॉट नेम के थ्रू एक्सेस हो गया है, लेकिन वो इनपुट के बगैर हुआ है। वो मैंने हार्ड कोड वैल्यू रखी है डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो डिस्प्ले हो गई है। हार्ड कोडेड ले लिया था, हार्ड कोडेड ले लिया था। चलो अगर मैं यहाँ फॉर द टाइम बीइंग, आपने परसेंटेज का साइन एक एक्स्ट्रा डाला था, वो भी रिमूव करें और डबल ब्रैकेट्स कर दें होम डॉट एच टी एम एल में। सर ये राउट में वो डाटा पास नहीं करना पड़ेगा? राउट से तो आमतौर पे हम पास नहीं करते हैं ना, राउट से तो हम वैसे भेज सकते हैं डेटा, लेकिन क्या राउट में जाके हम डेटा थोड़ी लिखते हैं अपना, तो इसलिए मैं राउट की तरफ गया नहीं था। खैर अभी इसको चला लेते हैं। अच्छा वो क्या कहते हैं, वहाँ क्या फॉर्मेट था भाई? डबल ब्रैकेट लगा दूँ और ये डबल कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ, यूं ही कह रहे हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पेज रन किया, यहाँ इनपुट मांगा उसने, ठीक एंटर किया मैं, 200 आ गए। ये फॉर्मेट का थोड़ा मसला हो रहा था यहाँ पर। मैंने डिक्शनरी बनाई हुई थी, डिक्शनरी के अंदर से नेम की जो है वो उसने उठा ली। ठीक है तो ये अभी हमने क्या किया, बेसिकली हमने बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड को भेज दिया है ना, बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड को भेज दिया है और हमें डिस्प्ले हो गया। अब अगर फ्रंट एंड से डेटा मुझे बैकएंड में भेजना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में भेजना है तो मैं अबाउट के पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है? सर्वर को डाउन करता हूँ, अबाउट के पेज में आ जाता हूँ। यहाँ पर अबाउट के पेज में डेटा भेजने के लिए मैं एक सिंपली क्या करता हूँ, फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम दे देता हूँ। नेम जो है वो इसका टाइप नम वन क्या देता हूँ,
रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड मैंडेटरी डेटा। एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम रख देता हूँ नम टू। रिक्वायर्ड में रख देता हूँ रिक्वायर्ड, और यहां से क्या करता हूँ इनपुट टाइप एक रख देता हूँ सबमिट। ठीक है, अब क्या होगा, अभी मेरे पास अबाउट पेज के ऊपर ये फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया फॉर्म डिस्प्ले। चला के देखता हूँ अबाउट पे फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म जो है बन गया, सबमिट का बटन बन गया, इसको सीधा कर देता हूँ। ये लाइन ब्रेक लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा गैप हो जाए, जस्ट लाइक। ठीक है, अब मैंने ले लिए दो नंबर, मैंने कहा 100 300। ठीक है, इन दोनों नंबर को सबमिट करा दो, बल्कि मैं सबमिट को बोलता हूँ कि भाई सबमिट नहीं, इनको ऐड करा दो। ठीक है, जैसे ही चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट के बजाय। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई सबमिट। क्या शायद बटन लेना पड़ेगा मुझे? सर एक चीज क्लियर कीजिएगा, तो ये बेसिकली जी हमारी एपीआई बन गई है वैल्यू जो ऐड भी करते हैं हम उसके अंदर जाके, वैल्यू ऐड, एपीआई वैल्यू इज इक्वल टू नेम की जगह नेम की जगह वैल्यू ले लो ना। वैल्यू ले लो। अच्छा ठीक, हाँ अब उस सबमिट की जगह वैल्यू ऐड लिखा हुआ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ टाइप बटन भी ले सकते हैं, बारे बटन बना देता अगर मैं, ये हो गया ऐड। अच्छा एक्सक्यूज मी सुझाव कुछ सवाल पूछ रहे। जी, जी सर, बेसिकली मैं अभी पूछ रही थी कि हमने बेसिकली एपीआई वो बन गई है हमारी, बस अब हम जो भी इससे टास्क देना चाहे, चाहे ऐड हो, चाहे नेम हो, चाहे कोई मॉडल वगैरह डिस्प्ले करना चाहे, बट बेसिकली एपीआई तैयार हो गई है हमारी, क्या यही है? बेसिकली हमारा कनेक्शन तो बन गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त दें तो वो एपीआई वाला मोड भी बता देता हूँ मैं। बस ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाए फिर आता हूँ उसकी तरफ, जो आप कह रहे हैं ना उस पे आ जाएगा। अब मसला ये कि दो नंबर्स यहाँ पर आए समझना भाई, और दोनों नंबर्स को हमने ऐड कराया, ये दो नंबर रवाना हो रहे हैं, और ये नंबर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये मुझे कहाँ भेजने हैं, बैकएंड पे भेजने हैं। ठीक है, बैकएंड पे भेजने हैं मुझे नंबर, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अबाउट के अंदर जहाँ मैंने ये फॉर्म बनाया है एक्शन में जाऊंगा और इसको बोलूंगा भाई कौन से पेज पे चले जाओ, अबाउट पे चले जाओ, यानी डेटा जो यहाँ से भेज रहे हो अबाउट से, ठीक है वापस जाओ, कहाँ जाना कहाँ है वो राउट बता दिया मैंने, इस राउट पे जाना है। यानी पहले हम राउट बता रहे थे, ऊपर जाके राउट टाइप कर रहे थे अबाउट का, अब वो अबाउट का राइट जो टाइप नहीं होगा, बल्कि मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ अबाउट से निकाल के इसको होम पे ले जाता हूँ, फिर होम से अबाउट पे डिस्प्ले करा देंगे रिजल्ट। इसको मैं सिंपल कह देता हूँ दिस इज अबाउट पेज,
अब यहाँ आया हूँ मैं होम के ऊपर, वेलकम टू होम। यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है और इसको बोला है मैंने होम से कहाँ चले जाना, अबाउट टू चले जाना। अब ये अबाउट में जब पहुंचेगा तो ये सारा डाटा लेके पहुंचेगा। अब आ जाता हूँ मैं ऐप के ऊपर अबाउट के फंक्शन में, यहाँ पर ठीक है, अबाउट के फंक्शन में आ जाओ। अबाउट के फंक्शन में आते ही अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक डाटा रिसीव करना है, ठीक है, डाटा रिसीव करना है। यहाँ मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी अपने फॉर्म के अंदर कि भाई इसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डाटा भेजना है इसलिए पोस्ट मेथड होगा। गेट पोस्ट दो हमारे पास बेसिक मेथड होते हैं डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। इसका जो मेथड होगा वो पोस्ट मेथड होगा क्योंकि यहाँ से डेटा जा रहा है। और इसी तरह से ऐप के अंदर यहाँ मुझे राउट में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है। यहाँ मेथड्स की लिस्ट बतानी पड़ेगी, गेट भी है और पोस्ट भी। ये मेथड गेट भी करेगा और पोस्ट भी करेगा, ठीक है। वहाँ HTML में मेथड होता है, मेथड सिंगुलर, और यहाँ पाइथन में मेथड में लिखूंगा मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब मैंने यहाँ पर लिखा भाई अगर रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट तो हमने हमारे पास है ही नहीं, व्हाट इज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ भी रिक्वेस्ट डॉट गेट, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की है, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की है, मैं ये सही लिख रहा हूँ गलत मुझे भी पता नहीं, कि रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा या गेट, असल में तो ज्यादा काम डेंगो पे हो रहा होगा वो दोनों। रिक्वेस्ट डॉट मेथड नहीं होगा, जी रिक्वेस्ट डॉट मेथड नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली रिक्वेस्ट डॉट मेथड, वो मैं कह रहा हूँ ना जेंगो में फंस गया हूँ। रिक्वेस्ट डॉट मेथड सर, आप इज अबाउट इक्वल में टू डाटा पोस्ट। डिस्प्ले करेंगे या फॉर्म अबाउट में? अच्छा, हम होम से जाएंगे पर हम क्या करेंगे वहां पर, डेटा जो है वो कहाँ आएगा, अबाउट में आएगा पोस्ट लेके। अबाउट के पास क्या पोस्ट आएगी, अभी इसका साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके अच्छा देख लेंगे वो कहाँ डालना है, होम में डालना है अबाउट में डालना करके देखेंगे पता चल जाएगा। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है पोस्ट की हो तो क्या करना भाई, नम वन क्या करेंगे भाई, मेथड मेथड के आगे मेथड डॉट फॉर्म, और फॉर्म में कौन सी वाली की आएगी, ये वाली की आएगी नम वन नम टू, ठीक है, जिसमें हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट फॉर्म और नम टू में रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट फॉर्म नम टू, दोनों हमारे पास नंबर्स आ गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ रिजल्ट में, पाइथन यूनिक वे में नम वन नम टू, मुझे रिजल्ट भेजना है, ठीक है। अब आउट के पेज पे भेजूं या होम पर ही भेजूं, इट्स अप टू अस कि कहाँ भेजना है। तो चलो सर वहीं अबाउट पे जहाँ भेज पे देते हैं, अबाउट में भेज जहाँ देते पे इनपुट है ना सर, वहीं पे आउटपुट आ दे ताकि उसी पे डिस्प्ले हो जाए ना।
अभी एक काम कर लेते, पहले अभी देखते हैं अबाउट क्या हम यूआरएल पे है ना, अबाउट पे ही ओके डिस्प्ले करा लेते, अबाउट पे ही डिस्प्ले करा लेते हम। यहाँ पे क्या देते हैं भाई, एक डिक्शनरी, उसमें है रिजल्ट की और उसकी वैल्यू है रिजल्ट, ठीक है। अब हमें वो डेटा डॉट की तरह नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने अबाउट पेज पे भेज दिया है, और अबाउट पेज पे भी चाहो तो एक फॉर्म नुमा रिजल्ट बना लो। यहाँ पर मैं कह देता हूँ दिस इज अबाउट पेज, यहाँ टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं, रिजल्ट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, क्या चाहिए, वही पासवर्ड है बेटा। अच्छा अच्छा कर डाल देता हूँ, चलो ऐसे ही ले लो। अभी यहाँ पर वही काम करेंगे, डबल ब्रैकेट के साथ मैंने क्या लिख देना है, रिजल्ट सर, हमने ये जो नंबर्स थे उनको ऐड करा के आप उसे बैकएंड पे भेज रहे हैं डेटा जी, को? उसका उसका हम रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं वहां पर ना। नहीं, उसको हम जो जो 56 शो हो रहा है इसको हम बैकएंड पे भेज रहे हैं। अरे एक मिनट मैं बताता हूँ, ये हमारा रिजल्ट, रिजल्ट की स्पेलिंग ठीक करवा दीजिए, ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट रिजल्ट सही है, रिजल्ट दूसरे दूसरे में सर जो आपने डबल ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये हमारे पास हो गया होम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं होम के ऊपर से जो है वो, चलो ठीक है, होम पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये सर्वर रन हो गया, पुराने डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल रन किया, ये इनपुट मांग रहा होगा, नहीं ठीक है, 200 हो गया, आ गया, सिंपल डाटा आ रहा है, इंटर टू नंबर्स टू ऐड, मैंने कहा 100 और 300, ऐड चलाऊंगा, ऐड को बोला हुआ है होम पे चले जाना। अब ये क्या कह रहा, अभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट होम, कि इनपुट टाइप जो हमने लिए वो टेक्स्ट लिए, डेटा को कन्वर्ट नहीं किया है कहाँ पर, सर रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट फॉर्म जहाँ पे किया वहां पे खाली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज होगा, ये जो आपने नम वन इक्वल टू किया है ना। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वापस आते हैं अब आउट पे, लोकल वेरिएबल रिजल्ट एफएनवी फॉर असाइनमेंट, कभी कहाँ है लोकल वेरिएबल रिजल्ट असाइनमेंट, ठीक नंबर। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट जरा, ठीक हो गया समस्या। अच्छा जी, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एक मिनट, स्पेलिंग इनपुट टाइप स्टैक, ओके 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 ओके, एचटीएमएल रिजल्ट स्पेलिंग सही है, होम पे आ गए, इनपुट टाइप टेक्स्ट टेक्स्ट अबाउट में आ गए, ऐप में आ गए, ठीक करना पड़ेगा तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है, वापस आया मैं अबाउट में, यहाँ मुझसे नाम पूछेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारे पास हो गया अबाउट पेज पे। तो क्या क्या हुआ है आप देखते हैं दोबारा से, मैं रोकता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने किया, अच्छा जी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये किया, हमने अपना एक साइकिल पूरा करना था ना। साइकिल जिसको मैं कह रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास हमारा फ्रंट एंड हो, ठीक है, और हमारे पास हमारा जो है वो बैक एंड हो, ठीक है। तो फ्रंट एंड से हम डेटा रिसीव करें, ठीक है, और अपनी डेटा जो है वो भेज सकें हम किसको, किसको भेज सकें, सर्वर को। सर्वर को जब भेज रहा हूँ तो एपीआई में मेरी जो रिक्वेस्ट चल रही है वो कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, एपीआई में मेरी सिंपल रिक्वेस्ट जा रही है वो है पोस्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है। और सर्वर पे जैसे हमने यहाँ दो नंबर भेजे, उसके बाद जब सबमिट कराया तो हमने ऑटो पे लिखा हुआ था कि भाई ये क्या हो जाए, हमारे पास रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाए, वापस डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पर दो नंबर्स आए, हमने रिसीव करे, उन दोनों को नंबर्स को ऐड किया और उनका जो रिजल्ट था वो एज अ रेस्पॉन्स जो है वो हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट वापस जा रहा है वो गेट की रिक्वेस्ट से जा रहा है, गेट बाय डिफॉल्ट होती है इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बीच में ये सारा काम हमारा जो है वो किसने किया, अभी हमने कोई डेटाबेस इस्तेमाल नहीं किया है तो लिहाजा हमने सर्वर के अंदर ही हार्ड कोडेड डेटा जो है वो लिया, उसे भेजा और निकाला, ठीक है। इसमें बताएं कोई सवाल है तो पूछें, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने होम बना लिया अपने पास। होम वो जगह है जहां पर हम डेटा रिसीव कर रहे हैं और हमने सबमिट बटन को बता दिया, जैसे सबमिट हो तो डेटा लेके किस यूआरएल पे जाना है, किस राउट पे जाना है, जब डेटा उस राउट पे पहुंचेगा तो यानी पोस्ट होगा, ये फॉरन जो है वो अबाउट वाले राउट पे आ गया। अबाउट वाले राउट में हमने कहा तुम्हारे पास दो चीजें हो सकती हैं, गेट रिक्वेस्ट भी आ सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी आ सकती है। अगर यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था कि अगर अबाउट भाई आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट के अलावा कोई और रिक्वेस्ट हो जाए तो आप सिर्फ क्या कर देना, आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पर सिर्फ बोल देता हूँ भी अबाउट डॉट html, खाली सिर्फ अबाउट वाला पेज जो है उसको एम्प्टी रेंडर कर देना, अगर डेटा आएगा तो फिर रिजल्ट के साथ कर देना, ठीक
यानी गेट की रिक्वेस्ट आएगी या पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी। अब ये मैंने क्या किया है इसको समझा देता हूँ। सर्वर अगर रनिंग मोड में है तो ये जब मैं यहाँ से इस पेज को रन करता हूँ अबाउट, अभी सर्वर डाउन है, ठीक है चल रहा है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ अबाउट पेज रिजल्ट इज अनडिफाइंड। अच्छा वहां मैंने रिजल्ट का की यूज कर ली है, दिस रिजल्ट डॉट रिजल्ट, चलो एल्स को छोड़ दो, अभी जेसोनिफाई में बताऊंगा इसको मैं। लेकिन जब मैं फाइव जब मैं इस वाले पेज से अबाउट पे आऊंगा, ठीक है ये वाले पेज से अबाउट पे आऊंगा तो फिर ये मुझे कहाँ ले जाएगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ ले जाएगा। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट में तो हमने डेटा दिया हुआ है तो अभी इसको एरर नहीं आएगा, 101 बिल्कुल सही दे रहा है। लेकिन एम्प्टी जब उसके बाद गेट की रिक्वेस्ट होगी यानी डायरेक्ट होम पेज से राउट होके नहीं आ रहा, डायरेक्ट चलाऊंगा तो हमने उसको कहा कि भाई ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाए और यहाँ पर ये की आ रही है इसलिए अभी एरर दे रहा है। हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं ऐप के ऊपर जाके कि भाई यहाँ पर क्या करो, रिजल्ट के अंदर इस वक्त जो है वो नन वैल्यू डाल दो या कुछ भी नहीं डालो, ठीक है एम्प्टी वैल्यू डाल दो तो कोई रिजल्ट जो मिसिंग आ रहा था वो नहीं आएगा। यानी इस पेज को मैं डायरेक्ट रन करता हूँ तो देखो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर मैं वहां से आऊंगा पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ तो फिर मेरे पास रिजल्ट में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो इफ की कंडीशन वहां लगाई हुई थी उसके ऊपर सेट कर दिया, जरूरी नहीं लगाना, वैसे ही बता दिया मैंने कि चलो राउट जो है वो अगर ये हो जाए ये हो जाए, गेट पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी दिया आएगा डाटा लेके आ रहा होगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट से तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा ये हमारा सारा काम था यहाँ का, और होम पेज पे हमने लिखा हुआ है कि भाई नेम दे दो इसको, चाहो तो हटा दो अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। सर अब इसमें जो एपीआई वाला पार्ट है वो जब आप वो जो पेंट वाला ओपन अच्छा किया हाँ उसमें अब जो मैं डेटा बताता हूँ, गेट वाला और पोस्ट वाला काम हो रहा है, जो क्लाइंट पे रिक्वेस्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है वो बेसिकली एपीआई क्रिएशन है जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है। जी हाँ जी हाँ जी ये अब जो ये जो यूआरएल यहाँ चल रहा है अबाउट का, अभी क्योंकि लोकल होस्ट पर है और आम आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे ये होता है कि हमारे पास जो है वो नहीं होता क्या फ्रंट एंड नहीं होता बैक एंड वाले के पास ना, तो मैं अभी काम इसके अंदर और करने लगा हूँ। पहले मैं इसको रोक के आप लोग भी अगर साथ काम कर रहे थे तो पुश कर लें, गेट ऐड कर लें, ठीक ताकि मैं नई ऐप बना लेता हूँ। गेट सबमिट सर एक बात बताएगा, ये तो हमने अपनी एक छोटी सी वेबसाइट और बैकएंड फ्रंट एंड बनाया ताकि हम लोग फंक्शन समझ सकें सीख सकें। सर अगर फर्ज करें हम किसी वेबसाइट से चाह रहे हैं थ्रू एपीआई एक्सेस करना, तो जो मैं करती थी ऑनलाइन उसमें यूजली लोग जो है ना एपीआई की जनरेट करवाते हैं फिर उसको यूज कर करते रहे हैं हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं उस तरफ आ रहे हैं, ये भी हम ऐसा करते हैं। जी, हम कर रहे हैं उसकी तरफ आ जाएंगे। सर एपीआई वाला नेक्स्ट वीक ना कर लें, इस वीक ये इतना ही काम का। अच्छा एक छोटा जी सा सर वो काम कर नेक्स्ट लेते में हैं, कर लें फिर, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा एक दफा प्रीव्यू प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, एक नन्ही सी बात है बस उसको समझ ले। नन्ही सी बात क्या है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ और सॉरी टेम्पलेट्स के अंदर नहीं, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर एप 1.py
है, सिंपली क्या होता है देखें, मैंने ये सारा कोड ले लिया, सब कुछ वैसे ही ले लिया, ठीक है, और यहाँ पेस्ट किया, क्राउड बना हुआ, ऐप बनी हुई, ये बनी हुई है, तो रिटर्न कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं जेसोनीफाई, जेसोनीफाई। अभी इनपुट भी नहीं लेता हूँ बार बार, चलो वहां से देना पड़ता है। नेम में मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, एज इनपुट ले ली है, एज में मैंने कोई एज डाल दी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक डेटा, डेटा के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी नेम के अगेंस्ट नेम कॉमा एज के अगेंस्ट एज, ठीक है, रिटर्न मैंने बोला अभी जेसोनीफाई, डेटा जेसन रेस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर दो राउट के ऊपर जब ये राउट चले। अब मैं क्या करता हूँ, पाइथन app1.py, पाइथन ऐप क्यों नहीं चली मेरी, ऐप डॉट रन तो बनाया ही नहीं, ऐप डॉट रन डीबग टू, ठीक है, अब सर्वर चल जाएगा, यहाँ पर आ गया हूँ मैं इसके ऊपर, ये देखो अब जो मेरे पास डाटा आ रहा है वो एक फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, जैसन फॉर्मेट थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, हमने डेटा इसी में भेजना है, इसी में रिसीव करना है, राइट, मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पर अपने पास लगाया हुआ है विच इज नॉन एज, कौन सा वाला एक्सटेंशन है भाई, जैसन व्यू, तो ये डेटा जरा अच्छा फॉर्मेटेड नजर आता है, ये करके कोल बंद कर सकते हैं, नेम में बहुत सारे नेम होंगे तो आ जाएगा, एज में बहुत सारी एज होंगी आ जाएगा, इतना काम कर लीजिएगा फिर इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है, जेसन व्यू, राइट, फिर हमने पोस्टमैन पढ़ना है, ठीक है, अब पोस्टमैन बताता हूँ, ये मेरी एपीआई है, 5000 पे चल रही है, मेरे पास पोस्टमैन मौजूद है, फ्रंट एंड जब नहीं होता तो फिर हम पोस्टमैन के थ्रू काम करते हैं, पोस्टमैन सीखना है हमने अच्छे से, पोस्टमैन 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 आ जाओ भाई, सर जी पोस्टमैन जो होता है डेटाबेस, वो सिर्फ एपीआई चेक करने के लिए यूज होता है या किसी और मकसद के जी, लिए? एपीआई टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कि हमारे पास जब फ्रंट एंड नहीं होता, हम ब्राउजर पे रिजल्ट नहीं देख पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना वाला यूआरएल जो है रन चल रहा है ये डाल देता हूँ और इसको सेंड करता हूँ, तो ये डेटा जो है मेरे पास यहाँ नजर आ रहा है, देखो, ठीक सर तो है, अगर आपका फ्रंट एंड ही नहीं बना हुआ तो एपीआई फिर कैसे बन तो सकती हम है? हमने यहीं तो से सारे चेक करेंगे। क्या आवाज, सर विजुअल आवाज आपकी स्टूडियो में ड्रॉप भी हो रही है शायद, पोस्टमैन, मेरे पास इंटरनेट स्लो है, दोबारा बोले। हाँ सर विजुअल स्टूडियो में भी पोस्टमैन की एक्सटेंशन है। हाँ आ जाती है सब जगह, लेकिन हम यही अलग ही यूज करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, वो बाद में जिसको जहाँ यूज करनी कर ले, ठीक सर मैं ये पूछ रही थी कि है, अगर हमने अलग से एपीआई क्रिएट करके अगर फ्रंट एंड ना बना हुआ हो तो मतलब ये पॉसिबल है? बिकॉज हमने एक्चुअली एपीआई में कनेक्शन ही यही तो करना कह होता है ना रहा फ्रंट हूँ एंड मैं को बैक। यही तो कह रहा हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम आइंदर से HTML के पेजेस नहीं बनाएंगे, हम बैकएंड लिखेंगे, पाइथन होगा और पोस्टमैन होगा, फ्रंट एंड की कोई चीज हमारे पास नहीं होगी, टेम्पलेटिंग वगैरह नहीं होगी, अबाउट होम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वी विल टेस्ट अवर APIs ऑन पोस्टमैन, बैकएंड हमारा बैकएंड ये होगा, app.py और हमारा
जो रिजल्ट आ रहे होंगे वो यहाँ देख रहे होंगे, यहीं से हम डेटा भेज भी रहे होंगे। व्यू तो हम कर लेंगे डेटा, वो तो हम ब्राउजर पे व्यू कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐड कराना है कोई रिजल्ट उसके अंदर, तो फिर वो पोस्ट वाले उसकी हमें पोस्टमैन के थ्रू ऐड कराएंगे। ठीक है जी, कोई सवाल? सर, पोस्टमैन पेड वर्जन है ना इसका नहीं नहीं दूसरा? नहीं 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 पोस्टमैन डाउनलोड करें और उसको आईडी से, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें और उसका डेस्कटॉप वर्जन आपके पास आ जाएगा। फ्री है, फ्री है। सर लेकिन देखें, जब हम जो बेसिकली एपीआई क्रिएट कर रहे थे, वो तो हम तभी क्रिएट कर रहे थे ना जब हमने कनेक्शन करना होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो अगर फ्रंट ठीक एंड ही है, नहीं बना हुआ तो हम खाली एपीआई की लॉजिक कैसे लिखेंगे, मतलब सिर्फ बैक एंड को टेस्ट करने के नहीं लिए। नहीं नहीं आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं एक आपको एक बात बताऊं, बैकएंड वाला जब काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके पास सिनारियो होता है, बिजनेस लॉजिक होती है, उसके मुताबिक वो कंडीशंस लिखता है, डेटा फेच करता है डेटाबेस से, या जो भी कैलकुलेशन करनी है सारी चीजें करनी है। बैकएंड वाले के पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपने एक एपीआई बनानी है कि जो बंदा उस एपीआई पे क्लिक, उस एपीआई के बटन पे क्लिक करे, जब भी कोई बटन बनाएगा, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन में बटन बनाए, चाहे वो विंडोज की एप्लीकेशन के लिए बटन बनाए, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बटन बनाए, वॉट एवर, बस जब वो बटन पे क्लिक करेगा तो ये एपीआई हिट होगी, उसके जवाब में ये डेटा तुमने भेजना है। अब वो डिस्प्ले कराने के लिए उसे वो किस कलर में डिस्प्ले कराएगा, पेज पे कहाँ डिस्प्ले कराएगा, वो सब आपका काम नहीं है। आपका सिर्फ काम इतना है कि उसके पास वो डेटा चले जाए, वो उसको खुद पार्स करे, उसमें से कौन सी चीजें डिस्प्ले करानी है कौन सी नहीं करानी, वो फ्रंट एंड वाला खुद जाने। आपने एपीआई बनाई हुई है, वो जब एपीआई हिट होगी तो फिर ये डेटा उसके पास चला जाना चाहिए। तो हम फिर यहाँ से क्या कर रहे होंगे, एपीआई बनाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि भाई इस एपीआई पे ये डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, दैट्स इट। उसके ओके बाद okay. उसमें नेम उसको यूज करना है नहीं करना है, एज यूज करनी है नहीं करनी है, वो उसका अपना मसला है कि वो फॉर्म बना के डिस्प्ले कराएगा, इमेज में डिस्प्ले कराएगा, कैसे करेगा, हमारा मसला ही नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक तो और किसी का सवाल, कोई कंफ्यूजन हो सवाल पूछें प्लीज, ताकि ये जो सीखने वाला प्रोसेस है वो चलता रहे, सवालों को दबाया नहीं करें। हो सकता है सवाल के जवाब मुझे ना भी पता हो तो मैं भी सीख लूंगा यार, ये भी बात है। सर, मुझे एक बात क्लियर कर देगा, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो रही है मुझे कि मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे तो उसमें एपीआई यूज करना सिखा रहे थे, मगर कुछ खास नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ एपीआई की जनरेट करवाते जहाँ से भी उनको डाटा नहीं, फेच वो तो करना। यूज करना सिखा रहे थे ना बेटा, ये भी तो समझो, वो एपीआई बनी हुई थी तो वो सिर्फ एपीआई की जनरेट कराई उसने। जैसे अभी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, मैंने शेयर भी किया था चैट के अंदर भी, कि भाई किस तरह हम अपने कैगल को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट अपनी जुपिटर नोट उससे, कोलैब से, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट, इसमें पीछे था कहीं, ठीक जी सर, है, तो वहां एपीआई की जनरेट की है, ठीक है, ये वाली, ये कैगल की एपीआई यूज करके जो है वो डाल देगा आपके पास, आप एपीआई टोकन, तो वो एपीआई टोकन जनरेट करना बताया, आप एपीआई बनाने नहीं बताइए। जब आप अपनी एपीआई बनाएंगे तो आप अपने भी टोकन रख सकते हैं, जो जो यूजर आपकी एपीआई यूज कर रहा होगा वो टोकन को इस्तेमाल करेगा। तो सर क्या हम लोग एक क्लास में सीखें टोकन बनाना एपीआई के साथ? हाँ जी, इतनी आसान काम है, इतनी लंबी देरी काम थोड़ी है ये, तो अभी थोड़ा सा हमारा पेज स्लो है, ज्यादा पहली पहली दफा हम काम कर रहे थे, कुछ मैंने कुछ एचटीएमएल भी ऐड किया ताकि लो हवा में बात ना लगे, और जो हो जाए अगली क्लास के अंदर जब हम इसको काम कर रहे होंगे तो हम डेटाबेस कनेक्ट भी करें, डेटाबेस में डेटा भेजेंगे भी एपीआई के थ्रू, और एपीआई के थ्रू डेटाबेस से उठाएंगे भी। सही सर, सर डेटाबेस सर जो है वो वेब के हवाले से कौन से वाला डेटाबेस देखेंगे? डेंगो देखेंगे, पोस्टग्रेस नहीं, देखेंगे, हम सीक्वल डेटाबेस लाइट? जो है या तो या पोस्ट ग्रुप पोस्ट ग्री यूज कर लेंगे या माई सिक्वल यूज कर लेंगे। ओके, सर हम वो जो मर्न स्टैक, आजकल जो नया अच्छा स्टैक आया हुआ है,
इसके लिए हम उसको बीच में थोड़ा सा टच नहीं करेंगे कि कैसे वो वाला जो MongoDB और वो सब यूज हो रहे होते हैं डेटाबेसेस। अब इतना वक्त हमारे पास है नहीं कि हम MongoDB में जाएं, लेकिन चलें अगर हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो हम देख लेंगे, टच कर लेंगे, MongoDB भी टच कर लेंगे, इसी बहाने की मैं भी सर सीख लूंगा। सर इसमें मिडलवेयर का भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, ऑथेंटिकेशन या इस तरह। लगा सकते हैं ऑथेंटिकेशन भी, टोकन भी बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन देखें इतनी डिटेल है नहीं। वैसे अभी हमने सिर्फ API बनाना सीखनी है, चीजें तो सीखने की बहुत है। आप बेसिक आ जाएगी तो जो है ना आपको तेजी से API बनाना आ जाएगी, तो ऑथेंटिकेशन वगैरह ये वन टाइम के काम है, वही कोड बार बार आप इस्तेमाल कर लेते हैं और चीजें चेंज करके, बार बार नहीं लिखनी पड़ती। वैसे जेंगो में तो अपना ही पोर्टल होता था उसका। सर जी इसमें बस डेटाबेसेस को कनेक्ट करने का एक मेन है वो, जिसमें जिसमें डिफरेंट है पोस्टग्रेस या MongoDB वगैरह ये सब कैसे यूज करते हैं। पोस्टग्रे और MySQL कर लेंगे, या एक भी आपने कर लिया बाकी करना कोई मसला नहीं। तो MongoDB भी कर लें, पोस्टग्रेस कर लें और एक MongoDB कर चले लें, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कोई सीक्वल नो रहने दें। सीक्वल, नो सीक्वल भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सीक्वल को रहने नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो डेटा है ज्यादातर टेबुलर डेटा होता है, पाइथन टेबुलर, में डेटा एक फ्रेम्स होते टेबुलर हैं। जी और MongoDB नॉन टेबुलर के लिए यूज हो रहा होता है ज्यादा वैसे। जी ठीक जी नो सीक्वल है। ठीक है, चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है ना ये दोनों तीनों काम कर लेंगे, तीन काम सर, करने हैं, API कंप्लीट करनी है और डेटाबेस कनेक्टिविटी। कुछ करियर वगैरह के मुताबिक भी सवाल पूछ सकते हैं आप इस चीज से थोड़ा सा हट के, अगर टाइम हो आपके पास। अरे यार मेरा तो अपना करियर इतना खराब है। चलो अल्लाह ताला रहम करे सर, चले पूछे आसानियां पूछे पैदा पूछे। करे। नहीं कैरियर खराब से, खराब से मतलब ये है कि बड़ा रैंडम चल रहा है मेरा ना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, बस वो अल्लाह ताला चला रहा है, जो चलता रहता है वैसे ही। तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रैक रहा है नहीं, फिर भी यह है कि आप पूछ लें अगर मैं कुछ बता सकूँ तो अच्छी बात चीज में से रिलेटेड पूछनी थी अगर मौका है तो। जी। सर एक चीज बस क्लियर करिए, कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर आपने कहा कि बैकएंड वाला जो है वो डाटा फेच करता है और फिर उसके बाद API बटन बनाता है, फिर वहां से लोग डाटा नहीं, को एपीआई एक्सेस। बटन नहीं बनाता, एपीआई बटन नहीं बनाता वो। जब भाई ये एपीआई है ना, ये एपीआई है ना, ये अभी लोकल होस्ट पे है ना, अगर ये डिप्लॉयड सर्वर पे चल रही होगी तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा कि भाई सही जो है, ये लें, लिंक ले लें। ये लिंक आपको मिल गया, अब आप अपने कोड में क्या करेंगे, इस यूआरएल को ऐसे ही फॉर्म के थ्रू फॉर्म बनाएंगे, बटन बनाएंगे और एक्शन में ये वाली एपीआई लिख देंगे। सर ठीक है। तो फिर सर इस बात बताइए कि बैकएंड वाले का फिर क्या रोल है इसमें, डेटाबेस को बस वो डाटा फेच करके यहाँ बैकएंड पे रख रहा है और फिर बाकी लोग वहां से उसका एक्सेस कर सकते हैं क्या, बेसिक बैकएंड का नहीं ये वो मकसद सिर्फ सिर्फ डेटा, सिर्फ डेटा नहीं होता ना भाई, बिजनेस लॉजिक भी तो सारी बैकएंड वाला ही लिखता है ना, सारा बिजनेस कैलकुलेशन सब चीजें। फ्रंट एंड वाला तो सिर्फ डिजाइन कर रहा होता है कि चीज नजर कैसी आएगी, बटन का कलर कैसा होगा, लेकिन जब बटन प्रेस होगी पीछे कैलकुलेशन होगी तो वो सब तो बैकएंड के हाथ में है ना। सही सही। अभी अभी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, भी 2+2 करो, दो नंबर ले लो। अब फ्रंट एंड से तो हमने से दो नंबर भेज दिए, फ्रंट एंड से तो हमने फकत दो नंबर भेज दिए ना। अब ये जो लॉजिक्स हैं सारी कि उन दो नंबर का करना क्या है, अब उसने ऐड का बटन बनाया हुआ है तो वो ऐड की API यूज करेगा, जैसे मैंने स्लैश अबाउट पे लिखा हुआ था इसको, वो ऐड इसको मैं क्या कह दूंगा, स्लैश ऐड कह दूंगा। अब फ्रंट एंड वाला क्या करेगा, ऐड का बटन बनाएगा, उसके सबमिट के एक्शन में ये वाला URL डाल देगा API लोकल होस्ट के साथ, तब वो नंबर ऐड होके आ जाएंगे। इस तरह सबट्रैक्ट की अलग होगी, सारी चीजें अलग होगी। तो फ्रंट एंड वाला तो सिर्फ पाथ दे रहा होगा, URL दे रहा होगा, असल काम तो आपने किया हुआ होगा सारा, कि उसके ऊपर होना क्या है। ठीक है जी सर समझ में आ गया, थैंक यू। हाँ सर, एक और एक चीज बताएं, जो हमारे ये राउट्स जो क्रिएट करते हैं, ये राउट्स आर जस्ट आर मेथड्स, और जिस तरह हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट APIs के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक API के ना मल्टीपल जो मेथड्स होते हैं, तो राउट्स क्या वही चीज है। हाँ ए राउट नहीं, राउट तो जो है ना वो समझ लें कि रास्ता है। अब उस रास्ते से आपने
डेटा गेट करना है, डेटा पोस्ट करना है, या डेटा डिलीट करना है, या डेटा अपडेट करना है, जो भी काम कराना है उस राउट के ऊपर। ठीक है, सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग इन की अगर मैं बात करूँ, तो लॉग इन की हमारे पास जो है वो डिफरेंट एपीआई के अंदर होते हैं, कि ऑथेंटिकेशन की एक एपीआई होती है, एक जो है ठीक है फॉरगेट ठीक पासवर्ड की एपीआई होती है। तो है। ये क्या ये डिफरेंट राउट्स हैं? हाँ, ये डिफरेंट राउट्स पे हैं, ये डिफरेंट राउट्स पे कि भाई अगर जैसे ही मैं फेसबुक लॉग इन कर रहा हूँ तो स्लैश लॉग इन चलेगा ना। लाइक जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने कहा भाई अब मैं सर आप आया उसको फेसबुक आसान के, लफ्जों में, अब ये फेसबुक का होम पेज आ गया, ये हमारा वही वाला स्लैश वाला राउट है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ लॉग इन प्रेस करूंगा तो ये मुझे, अब मेरे पास ये रिक्वेस्ट ले गया, चेक पॉइंट पर आ गया राउट, चेक पॉइंट और नेक्स्ट इस पर आ गया, इन्होंने मुझे यहाँ राउट कर दिया इस पेज के ऊपर कि भाई ये ऑथेंटिकेशन है, अपनी सप्लाई करो। ठीक है, तो ये डिफरेंट राउट है, वही स्लैश लगा के चेक पॉइंट, फिर उसमें चला गया, फिर उसमें चला गया, फिर उसमें चला गया। अब इसमें क्या है, अब यहाँ मेथड देखना पड़ेगा कि गेट का मेथड हो रहा है या पोस्ट का मेथड हो रहा है। यहाँ पर जब मैं लॉग इन यहाँ डाल रहा हूँ और सबमिट कोड करूंगा तो ये डेटा जा भी रहा है, यानी पोस्ट की रिक्वेस्ट भी हो रही है, डेटा लेके भी जा रहा है, और अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया तो हाथ के हाथ जो है वो मेरा पेज भी डिस्प्ले हो जाएगा सर फेसबुक वाला, तो वो मेरी, इसका मतलब है पोस्ट की रिक्वेस्ट भी चल रही है। इस रूट के ऊपर दोनों लगे होंगे, गेट और पोस्ट। ठीक है, एक ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन आमिर था भाई कुछ मेरे कह रहे थे, आमिर भाई। सर, फॉर द टाइमिंग जो मुझे समझ आया ये है कि राउट जो है, फर्ज कर लें कि हमारा एक जो है ना ये यूआरएल है। अब हम उस यूआरएल को यूज करके एक वेब पेज पे गए हैं, वहां पे हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन के अगेंस्ट जो इवेंट जनरेट हो रहा है ना बैक एंड पर, वो जो कोड लिखा हुआ है वो एक डिफरेंट राउट है। अब उस इवेंट के अगेंस्ट कुछ और डिस्प्ले होगा, वो एक डिफरेंट राउट है। तो सादा लफ्जों में हम ये समझ लें कि वो ऊपर जो है ना हमारा यूआरएल डिफरेंट एक्शन परफॉर्म्स कर रहे हैं। वैसे तो डिटेल में तो और बड़ी जबरदस्त बातें हैं, जो अभी फॉर द टाइम बींग है इनिशियल लेवल पर, तो वो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है। आई थिंक सो। सही 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 सही। अच्छा बस ये है कि जो जो की जो प्राइमरी उसकी बात है, डेफिनेशन वो डिस्टर्ब ना हो, तो अपने आपकी लॉजिक के लिए डेवलप करने के लिए आप कोई भी चीज सिनारियो जो अपने जहन में रख के सोच सकते हैं कि हाँ ये इस तरह कर रहा हो। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल, आप इस तरह ही है। चलें जी, फिर एंड करता हूँ मैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक इस यू। YouTube पे लोड करा दीजिएगा ये वाला। अच्छा, अभी मैं बोल देता हूँ अक्सा को भी जल्दी से कर दें, जल्दी से कर दें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, ओके सर, यस सर, सो अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।